हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है इस भगवद गीता सेशन में, जो 18 दिन में हम 18 अध्याय को सार समझने का प्रयास करेंगे। अर्जुन तो भगवद गीता जो है वो 45 मिनट में सुने और समझ गए, लेकिन हमको थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि अर्जुन का पहले से ही पूरा ट्रेनिंग था। हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, भगवान परम दयालु हैं और इस भगवद गीता को भगवान ने हमारे लिए दिया है। हम पढ़ें सुने, उसका फायदा हमको मिलेगा, उस ज्ञान से हमारा जीवन जो है वो सुधरेगा और उससे प्रभाव क्या होगा, जो अभी संसार में चल रहा है ये अज्ञानता के कारण हो रहा है। एक अच्छा चीज हुई लॉकडाउन में, एक अच्छा चीज हुआ कि लोगों को समय मिला तो कुछ लोग भक्ति की तरफ जुड़े हैं, नहीं तो ये लॉकडाउन हुआ क्यों? पिछले साल हुआ, इस साल हुआ, वही मार्च अप्रैल में हो रहा है, तो ये हमारी अज्ञानता की वजह से, अज्ञानता की वजह से हम गलत कर्म करते हैं और हमारे कर्मों का परिणाम होता है ये। तो आइए, इसीलिए इस अज्ञानता को दूर करते हैं, भगवद गीता के इस ज्ञान को समझते हैं। जैसे अर्जुन की अज्ञानता दूर हुई इस भगवद गीता से, ऐसे ही सारे संसार में कोई भी व्यक्ति भगवद गीता सुनेगा पढ़ेगा तो उसकी अज्ञानता भी दूर हो जाएगी। तो आइए प्रयास करते हैं इस भगवद गीता को समझने का और अपने जीवन में प्रकाश लाने का। और जब हम समझ जाएंगे भगवद गीता, अपने जीवन में इसको उतारेंगे और उसके बाद दूसरों को भी यही प्रकाश हम दे सकते हैं। तो ये भगवद गीता जो है ये तो भगवान कृष्ण ने दिया, लेकिन आधारित है श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य। श्लोक भगवद गीता के आपको सब जगह मिलेंगे। वही आज दुनिया में 1000 से ज्यादा अलग अलग वैरायटी की गीता है, ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान ने एक गीता कही, 1000 कैसे हो गई? क्योंकि हर व्यक्ति अपने हिसाब से उसमें कुछ एडिशन डिलीशन अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करके और समझा रहा है दुनिया को, खुद भी गलत समझ रहा है, दुनिया को भी गलत समझा रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बट हम जो पालन कर रहे हैं वो प्रभुपाद की शिक्षाओं पर आधारित है। तो हम बताएंगे आपको कि भगवद गीता का नाम प्रभुपाद जी ने भगवद गीता यथारूप क्यों रखा और क्यों ये प्रामाणिक है। प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में देखिए कहां जाके वृंदावन से अमेरिका पहुंचे और पूरे संसार को उन्होंने कृष्ण भक्ति देने के लिए इतना प्रयास किया और लिया भी लोगों ने। आप देख सकते हैं आज तक मानव जाति के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि देश विदेश में हर जगह भगवद गीता को पढ़ के लोगों के, पढ़ा पहले भी है लेकिन लोगों की चेतना में इतना परिवर्तन, ये भारत के किसी शहर का दृश्य नहीं है, ये विदेश का दृश्य है। और ये सब विदेशी भक्त अमेरिका यूरोप रशिया ऑस्ट्रेलिया सब जगह प्रभुपाद जी ने प्रचार करवाया। प्रभुपाद
बचपन से ही भक्ति भाव में लगे। जब प्रभुपाद जी अपना जॉब कर रहे थे तब वो अपने गुरु महाराज से मिले, श्रील भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर, जिन्होंने उनसे कहा कि आप तो पढ़े लिखे हैं, आप अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, क्यों नहीं आप भगवद गीता के संदेश को दुनिया तक पहुंचाते हैं अंग्रेजी भाषा में, आप जाओ लेके और पूरे दुनिया को दो ये भगवद गीता, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। प्रभुपाद जी ने भारत में बहुत प्रयास किया पहले, क्योंकि परिवार है ऐसे कैसे चले जाएं, तो बहुत प्रयास किया, लेकिन शुरू में भारतीय जो थे उन्होंने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। नया नया आजादी मिला था, आजादी के पहले भी आजादी के बाद भी, वो अभी उनको टेक्नोलॉजी चाहिए था, हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए था, तो उसमें सब विदेशों की तरफ देख रहे थे। लेकिन कुछ सक्सेस मिला, भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने बड़ी सराहना की प्रभुपाद जी के द्वारा लिखे गए भागवत की, और उन्होंने कहा सारी सरकारी लाइब्रेरीज में आपके पुस्तक को रखना चाहिए, लोग पढ़ें। फिर जैसा प्रभुपाद के गुरु महाराज ने कहा था, 70 साल की उम्र में भक्तिवेदांत स्वामी एक जलदूत नामक इस पानी के जहाज में अमेरिका जाते हैं। 37 दिन लगते हैं, इस 37 दिनों में 2 हार्ट अटैक होते हैं प्रभुपाद को, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं अमेरिका में, बस जा रहे हैं, श्रद्धा है गुरु के वचन पे, श्रद्धा है भगवद गीता पे, श्रद्धा है हरे कृष्ण महामंत्र पे, और निकल लिए। संघर्ष करते 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 11 साल में, अगले 11 साल में प्रभुपाद ने पूरे दुनिया के 14 बार भ्रमण किया, 10,000 से ज्यादा शिष्य बनाए। उस समय में भारत से एक व्यक्ति जाता है, एक वृद्ध व्यक्ति जिसको, जिनकी भाषा को समझने में भी तकलीफ होता है, उन्होंने अपनी शुद्ध चेतना से भक्ति प्रचार की, 108 मंदिर खोल दिए, ऐसा हुआ नहीं था कभी इतिहास में। और उन्हीं भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की कृपा से आज दुनिया भर में इसको उनके केंद्र है। और फिर प्रभुपाद ने इन 11 सालों में 84 किताबें लिखी, अब देख सकते हैं। आप सोचिए कि ये एक जवान व्यक्ति के लिए भी, पूरी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी वो 84 किताब नहीं लिख सकता, प्रभुपाद जी ने लिखा। तो गीता क्या है? भगवद गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है, ये सभी वैदिक ज्ञान का सार है। पुराण है, वेद हैं, उपनिषद हैं, इन सब का सार जो है वो है भगवद गीता। ये एक मैनुअल है, एक निर्देशिका है। जैसे आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके साथ आपको क्या मिलता है? एक मैनुअल मिलता है, छोटी सी किताब मिलती है, उसमें लिखा होता है, उसमें समझाया जाता है कि कैसे इसको प्रयोग में लाना है। वैसे ही भगवद गीता में कृष्ण ने समझाया है कि हमको अपने जीवन को कैसे व्यतीत करना है, कि इस संसार में भी हमको शांति मिले, सुख मिले, और यहाँ पे जीवन पूर्ण होने के बाद हम मोक्ष को प्राप्त करें। आज तो संसार में बहुत सारे लोग भगवद गीता को पढ़ रहे हैं, बहुत सारी फेमस पर्सनालिटीज हैं जो भगवद गीता को पढ़ती हैं, वहां से एक इंस्पिरेशन उनको मिलता है, एक दिशा मिलता है। अब ये भगवद गीता को यथारूप क्यों कहते हैं और क्यों ये प्रामाणिक है? भगवान स्वयं कहते हैं कि ये ज्ञान उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया, और ब्रह्मा ने ये ज्ञान दिया अपने पुत्र नारद मुनि को, नारद मुनि ने ये ज्ञान दिया अपने शिष्य वेद व्यास को, जिन्होंने ज्ञान दिया श्रीपाद मध्वाचार्य को, और ये ज्ञान आया फिर
इसी परंपरा में भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर और फिर भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, ऐसे परंपरा में आया है ज्ञान। देखिए कोई भी ज्ञान अगर परंपरा में, कृष्ण स्वयं चौथे अध्याय में हम पहुंचेंगे तो कृष्ण कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता नष्ट योगो परंतप। ये जो ज्ञान है ये परंपरा में दिया जाता है। इस ज्ञान को परंपरा में क्यों? क्योंकि अगर ज्ञान बीच में परंपरा से नहीं लिया आपने, मान लीजिए, तो आप किससे ले रहे हो? अपने मन को बीच में ले आएंगे। ऑथोराइज्ड होना चाहिए। आज इस कोरोना काल में बहुत सारे नोटिफिकेशन गवर्नमेंट भेजती है, आप देखेंगे हर नोटिफिकेशन में उसका जो चीफ सेक्रेटरी होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, चाहे पीएम का हो, चाहे होम मिनिस्टर का हो, चाहे सीएम का हो, अपना साइन सील लगा के फिर उसको भेजता है। लेकिन कोई भी भेज देगा, हम भी कल बोल देंगे कल से बंबई पूरा खुल गया, कोई जरूरत नहीं रिस्ट्रिक्शन का, लेकिन हम ऑथोराइज नहीं है ना। अगर मैं कहूँगा कि कल से पूरे इंडिया में अगले एक साल के लिए लॉकडाउन है तो कौन मानेगा? मैं थोड़ी प्रधानमंत्री हूँ। या मैं कहूँगा महाराष्ट्र कल से खुल गया, अभी अभी कोई कोरोना नहीं है, तो मैं तो मुख्यमंत्री नहीं हूँ। तो प्रामाणिक व्यक्ति कौन है उससे सुनना चाहिए। तो भगवान तो सबसे प्रामाणिक है, भगवान से प्रामाणिक, भगवान सबसे सबको ज्ञान भगवान दे रहे हैं। और ये परंपरा आती है, इसको कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा, जो कभी टूटता नहीं। यही प्रभुपाद जी ने ज्ञान अपने शिष्यों को दिया, और हम सबके लिए प्रभुपाद ने लिखित रूप में भगवद गीता के तात्पर्य और अन्य पुस्तकों के तात्पर्य दिए, जिसे हम समझ सकते हैं। उदाहरण के रूप में, जैसे आपका, आप मोबाइल तो चार्ज करते हैं, तो एक तरफ तो आपका प्लग होता है, एडेप्टर, उसको आप डाल देते हैं पावर प्लग में, वहां से करंट मिलती है। लेकिन अगर आपका चार्जर जो केबल है, चार्जिंग केबल, वो अगर बीच में कटा हुआ है, तो आपका मोबाइल चार्ज होगा? नहीं होगा, क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इसीलिए ये गुरु परंपरा बड़े आवश्यक है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने इसका नाम क्या दिया? यथारूप। मतलब जैसा कृष्ण ने दिया वैसा ही ये ज्ञान आगे हमको मिल रहा है। ये 18 दिन का उद्देश्य क्या है? भगवद गीता को गहराई से अध्ययन करना, समझना। ये उद्देश्य अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी गहराई में हम तो हम जा नहीं पाएंगे। उद्देश्य है कि हमको और अच्छे से पढ़ने के लिए प्रेरित करना, तैयार करना। इसीलिए इसको हमने लेवल 1 कहा है, क्योंकि इस लेवल 1 के बाद लेवल 2 भी आएगा, उसमें हम और गहराई में समझेंगे अपने जीवन के डे टू डे एक्टिविटी, जो हमारी दिनचर्या है, उसमें कैसे हम भगवद गीता के सिद्धांतों को अप्लाई कर सकते हैं और अपने जीवन को सुधार सकते हैं, वो हम देखेंगे। तो अभी हम संक्षिप्त में देखेंगे, क्योंकि 18 दिन तो पर्याप्त नहीं है, 18 दिन तो बहुत कम है भगवद गीता समझने के लिए हमारे लिए। तो हम थोड़ा सा सार रूप में इसको देखेंगे, इतना समझ जाएं। अगर इस 18 दिन के बाद हम इतना समझ जाएं कि भगवद गीता जो है हमारे लिए आवश्यक है, तो आप समझिए कि आपके लिए ये कोर्स करने का फल मिल गया आपको। फिर भी समझना कि भगवद गीता मेरे लिए बना है, ये समझना आपको। भगवद गीता का भाव क्या है, किस भाव से हमें भगवद गीता पढ़नी चाहिए, भगवान स्वयं कहते हैं, गीता में ही बताते हैं, अर्जुन के मुख से निकलवाते हैं। क्योंकि अर्जुन तो भगवान के नित्य पार्षद हैं, वो कभी अज्ञानता में नहीं आ सकते, वो मोहग्रस्त नहीं हो सकते, लेकिन भगवान ने अर्जुन को मोहग्रस्त करवाया अपनी योग माया शक्ति से। क्यों? क्योंकि एक अज्ञानी रूप में जब अर्जुन को प्रस्तुत किया, तभी ना वो पूछेगा प्रश्न और भगवान बताएंगे। अर्जुन को माध्यम रख के भगवान हम सबको गीता सुना रहे हैं, ये गीता भगवान ने हमारे लिए सुनाई। अब कोई कहता है सबसे पहला भाव ये समझना चाहिए कि कृष्ण जो है वो भगवान है, क्योंकि अगर ये नहीं हम
समझ पाए, ये नहीं माने, तो फिर गीता का वैल्यू ही नहीं रह जाता। फिर तो आप गीता पढ़ें या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर पढ़ें, क्या फर्क पड़ता है, दोनों मनुष्य बोले हैं। गीता का वैल्यू, इसीलिए तो इतने आचार्यों ने दुनिया भर में इतना गीता को वैल्यू दिया, क्योंकि कृष्ण स्तु भगवान स्वयं, वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं कृष्ण स्तु भगवान स्वयं। अच्छा, पूरी भगवत गीता में जहां पे भी भगवान ने कृष्ण ने कहा है, कहीं पे भी नहीं लिखा है श्री कृष्ण वाच, हर जगह लिखा है श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, तो कृष्ण ही भगवान है। तो हमको जैसे अर्जुन को युद्ध भूमि पे गीता सुनाई, वैसे ही भगवान अर्जुन के माध्यम से हमको सुना रहे हैं। इस संसार में हम भी जो अपने आप एक युद्ध में हैं, उससे कैसे हमको बाहर निकलना है, कैसे अपने कर्तव्य को, अपने कर्म को, अपने धर्म को समझना है। तो भगवद गीता जो है वो अज्ञानता से हमको दूर करने के लिए भगवान ने दिया है। आइए, तो थोड़ा भगवद गीता का जो पहला अध्याय है सैन्य निरीक्षण या अर्जुन विशाड़ योग, तो ये क्या है और किस स्थिति में भगवद गीता सुनाई गई, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। तो इसको कहते हैं अर्जुन विशाद योग भी बोलते हैं और सैन्य निरीक्षण हुआ, तो इसीलिए आप लोग को सब पता है भगवद गीता के बारे में। ये थोड़ा इन द सेंस इंट्रोडक्शन पता है, महाभारत पढ़े होंगे, सुने होंगे। तो पांडु महाराज और उनके बड़े भाई धृतराष्ट्र और इन दोनों के छोटे भाई जिनको जो दासी के पुत्र थे विदुर, ये तीनों भाई, विदुर राजा बन नहीं सकते, धृतराष्ट्र बड़े थे, सक्षम थे, महाबली थे, लेकिन आंख नहीं थी, देख नहीं सकते। तो क्योंकि देख नहीं सकते धृतराष्ट्र, इसलिए वो राजा तो नहीं बन सकते, तो लेकिन राजा बनने की बहुत इच्छा थी। तो कौन राजा बनेगा, पांडु महाराज राजा बनेंगे। तो महाराज पांडु को राजा बनाया गया, उन्होंने अच्छे से राज्य संभाला, लेकिन उनका मन नहीं था, वो चले गए, इस संसार को छोड़ के अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में चले गए, अरे वही वही रहूंगा। तो अब तो फिर राज नहीं रहा, राजा नहीं है, राजगद्दी पे कौन बैठेगा, कोई है नहीं। तो तब तक धृतराष्ट्र को एज ए केयर टेकर राजा बनाया गया, लेकिन हमेशा धृतराष्ट्र की इच्छा थी कि मैं ही राजा बनूं। उसका नाम भी देखिए धृतराष्ट्र, धृत मतलब जो आसक्त है, किससे आसक्त है, राष्ट्र से आसक्त है, तो उसको वो राज्य चाहिए था। उधर पांडु महाराज दो पत्नियों के साथ रहते हैं, इधर धृतराष्ट्र जो है गांधारी के साथ रह रहे हैं। अब धृतराष्ट्र राजा बन नहीं सकते, टेम्पररी बैठे हैं, पांडु महाराज को इंटरेस्ट नहीं है, तो राजा कौन बनेगा, इनके बच्चे राजा बनेंगे। देखा जाए तो क्योंकि पांडु महाराज राजा हैं, तो उन्हीं का पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, उनका बड़ा पुत्र राजा बनना चाहिए, यही लॉजिक है। लेकिन धृतराष्ट्र सोचे नहीं, अभी पांडु चला गया, उसको आने नहीं देने का, और यहां मेरा पुत्र बैठेगा। तो उधर कुंती माता गर्भवती होती है, इधर गांधारी गर्भवती होती है, लेकिन कुंती को पहले पुत्र प्राप्ति हो जाती है, गांधारी का अभी भी गर्भ में ही पुत्र है, बाहर नहीं निकला। उधर युधिष्ठिर जन्म हो गए, इसलिए दुर्योधन से बड़े हैं युधिष्ठिर, फिर भीम, फिर अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये पांच पांडव। और पांडु महाराज को श्राप मिलने के कारण उधर पांडु महाराज का मृत्यु हो जाता है और माद्री सती हो जाती है। अब कुंती पांच बच्चों को लेकर, जिनकी उम्र 10 साल 9 साल है, उनको लेके आती है राज्य में। इधर गांधारी, क्योंकि गांधारी को जन्म नहीं हुआ था पुत्र का, गांधारी के पुत्र का जन्म नहीं हुआ, बड़ा क्रोध हुआ कि कुंती का पुत्र हो गया, हमारा नहीं हुआ, तो उसने एक हाथ जोर से अपने गर्भ में मार दिया था,
अपने ही गर्भ पे हाथ मार दिया, एक मुक्का मार दिया तो उसका गर्भ चुत हो गया, खत्म हो गया बच्चा। तो रो रही थी, वेद व्यास जी उस समय आए और कहे कि तुम चिंता मत करो, मैं ठीक कर देता हूं। वेद व्यास ने कहा धृतराष्ट्र को 100 मटके मंगाओ और सबको घी से भर दो। सबको घी से भर दिया, जो ये गर्भ निकला इनको 100 मटकों में डाल दिया और वेद व्यास ने अपनी शक्ति से इसमें से 100 पुत्रों को उत्पन्न करवाया। तो धृतराष्ट्र के हो गए 100 पुत्र, जिसमें दुर्योधन सबसे बड़ा। अब ये जब पांडव आते हैं तो इधर तो दुर्योधन राज कर रहा था कि मैं ही राजा बनूंगा, बड़ा हूं मैं ही राजा बनूंगा, भीष्म द्रोण सब मान चुके थे कि यही राजा बनेगा। अब यहां पे गए पांडव तो दुर्योधन का ईर्ष्या चालू हुआ। यहां से पांडव में संस्कार भरे थे, देवताओं के पुत्र हैं और बल में और कौशल कौशलता में कला में दक्ष थे, निपुण थे। तो इसको देखकर सारे हस्तिनापुर के लोग उनको प्रेम करते थे। दुर्योधन का ईर्ष्या बढ़ता रहा, काफी प्रयास किया, अलग अलग तरीके से मारने का प्रयास किया। धृतराष्ट्र राजा है, ये उनका धर्म था कि वो युधिष्ठिर को सुरक्षित रखें, ट्रेनिंग दें और राजा बनाएं और निकल जाएं। लेकिन धृतराष्ट्र को आसक्ति हो गई थी, तो फिर धृतराष्ट्र राजा होने के बावजूद भी भेदभाव करने लगे और यहीं से प्रारंभ होता है युद्ध का सिचुएशन। 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास पूरा करने के बाद पांडवों की तरफ से कृष्ण शांति दूत बन के गए, कहे कि भाई 5 गांव तो दे दो 5 पांडव को। दुर्योधन ने कहा एक सुई के नोक बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, इतना भी नहीं दूंगा। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, फिर युद्ध में मिलेंगे। और उसके बाद चालू हो गया वर्ल्ड वॉर की तैयारी, चालू हो गई। कौन किस, कौन राजा किसको सपोर्ट करेगा। 2 पार्टियां हैं, एक कौरव एक पांडव। पांडव भी कौरव ही हैं, लेकिन अभी दोनों अपोजिट हैं। तो पांडु महाराज के पुत्रों को पांडव कहा गया, ये तो कुरु वंश के, इसीलिए अर्जुन को गीता में कुरु श्रेष्ठ भी कहा गया है, भरतवंशी भी, क्योंकि हैं तो वो भी कौरव ही ना। लेकिन जस्ट टू डिस्क्रिमिनेट नहीं, दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए अलग अलग नाम दिए कि कौरव और पांडव। कुछ राजा इधर जुड़े, कुछ राजा इधर जुड़े, ऐसे पूरा युद्ध का तैयारी हो गया। दिन चुना गया मोक्षदा एकादशी, जिस दिन गीता बोली गई थी, इसीलिए उसको गीता जयंती दिवस मनाया जाता है। मोक्षदा एकादशी दिसंबर में आती है, उसमें गीता जयंती मनाते हैं, क्योंकि उस दिन भगवान ने गीता सुनाई थी अर्जुन को। स्थान चुना गया कुरुक्षेत्र, जो कि धर्म का क्षेत्र है, धर्म के क्षेत्र में ही धर्म होगा और जो सही होगा वो जीतेगा, जो हारेगा वो गलत है। तो ये सब हुआ। अब यहां दोनों तरफ आर्मी खड़ी हो गई, कौरवों की आर्मी पांडवों की आर्मी, बड़े बड़े महारथी। अब धृतराष्ट्र, यहां से भगवद गीता प्रारंभ होती है। धृतराष्ट्र पहला श्लोक बोलते हैं और प्रारंभ करते हैं भगवद गीता को। धृतराष्ट्र वाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। हे संजय, धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये तो धर्म का क्षेत्र है। देखिए कुरुक्षेत्र पहले से ही फेमस था, ये जो कुरुक्षेत्र है ये तो धर्म का क्षेत्र है ना। समवेता युयुत्सव, यहाँ युद्ध की इच्छा से जमा हुए हैं। कौन कौन जमा हुए? मामका पांडवाश्चैव। देखिए कितना क्रूर था धृतराष्ट्र, कैसे उसकी नीति थी, कूट नीति,
बोलता है मेरे और पांडु के पुत्र। तो ये भेदभाव कर सकते हैं, करना ही चाहिए, लेकिन राजा को नहीं। वो राजा है, वो दोनों उनके लिए प्रजा है। तो यहां भेदभाव का जो बुद्धि धृतराष्ट्र का दिखता है, किम कुर्वत संजय, उन्होंने वहां पे क्या किया। ये तो वही बात हो गई कि कोई मैच होने वाला है, क्रिकेट मैच, और दोनों तरफ के खिलाड़ी जमा हो गए और टॉस हो गया, अभी मैच चालू होने वाला है और कोई पूछता है कि लोग क्या कर रहे हैं वहां पे। तो युद्ध करने के हैं तो युद्ध ही करेंगे ना, तो क्यों पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उनके मन को यहां पे हमारे आचार्यों ने बताया, धर्म क्षेत्र है ना कुरुक्षेत्र, उनको भय है। धृतराष्ट्र को एक भय है। क्या भय है धृतराष्ट्र को, क्या डर है? क्योंकि वो धर्म का क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, तो ऐसा तो नहीं कि मेरा पुत्र दुर्योधन जो अधर्मी है, जानते हैं वो अधर्मी है। वेद व्यास जी कहते हैं महाभारत में चार विलेन है, महाभारत के चार विलेन धृतराष्ट्र, दुर्योधन, शकुनी और कर्ण, ये चार विलेन है महाभारत के। तो जानता था धृतराष्ट्र कि मेरा बेटा अधर्मी है। ऐसा तो नहीं कि धर्म के क्षेत्र में उसका मन फिर गया और उसने सुलह कर ली और आधा राज्य दे दिया, तो अच्छी बात है ना। धृतराष्ट्र तो वैसे भी ढोंग कर रहा था कि मैं तो देना चाहता हूं, लेकिन दुर्योधन मना कर रहा है। अब क्यों बोल रहे हैं कि दुर्योधन ने दे तो नहीं दिया, तो अच्छी बात है, दोनों भाइयों में सुलह होगी, झगड़ा नहीं होगा, शांति से दोनों रहेंगे। लेकिन धृतराष्ट्र को नहीं चाहिए था, वो अकेला पूरे पृथ्वी का राजा रहना चाहता था मरने तक। ये परिस्थिति थी। दूसरा है, क्योंकि धर्म का क्षेत्र है तो युधिष्ठिर तो स्वयं तो धर्मराज है, तो धर्म क्षेत्र तो धर्मराज को ही सपोर्ट करेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि युधिष्ठिर जीत गया। धृतराष्ट्र को यह चिंता नहीं थी कि युधिष्ठिर जीतेगा कि दुर्योधन जीतेगा, ठीक है कोई तो जीतेगा, लेकिन मेरी गद्दी नहीं चली जानी चाहिए, तो मेरी गद्दी बचाने के लिए दुर्योधन का जीतना आवश्यक है, ये उसकी नीति थी। है? फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ हम इंपॉर्टेंट श्लोकों को यहां पे लेंगे। सारे श्लोक इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ श्लोकों को जिससे गीता का फ्लो हमें समझ में आए। तो आगे ये तो हमने देख लिया। अब दुर्योधन जब देखते हैं आर्मी को, क्योंकि दुर्योधन सोचता है अरे हमारी तो 11 अक्षौणी है, इनकी 7 अक्षौणी ऐसे खत्म कर देंगे, चुटकी बजाते खत्म कर देंगे। हमारे साथ भीष्म है, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, दुशासन, मैं हूं, ये सब बड़े बड़े लोग हैं। पांडव के पास तो ज्यादा आर्मी नहीं, और भूल गया क्योंकि असुर था ना। जो भक्त नहीं होता वो ये भूल जाता है कि कृष्ण वहां खड़े हैं। जयस्तु पांडु पुत्रा नाम जय जना जो जय पक्षे जनार्दना, जय हो पांडु पुत्रों की जिनके पक्ष में तो जनार्दन खड़े हैं, स्वयं भगवान खड़े हैं, उनको कौन हरा सकता है। जिनके साथ भगवान हो उनको कौन हरा सकता है। तो यहां पे अब देखिए, एक ये भी दुर्योधन भी राजा का बेटा है तो पॉलिटिक्स जानता है, तो यहाँ पे व्यंग मार रहा है सार्कास्टिकली। क्या बोलता है द्रोणाचार्य को, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम व्यूणाम द्रुपद पुत्रेणा तव शिष्येन धीमता। बोलते हैं पश्यताम पांडुपुत्राणाम, देखिए ये पांडवों के पुत्रों को, हे आचार्य देखिए, तो देख ही रहे ना, फिर क्यों दिखा रहे। व्यूणाम द्रुपद पुत्रेणा तव शिष्येन धीमता, अरे इतना अच्छे तरीके से आर्मी का अरेंजमेंट किया, क्योंकि लड़ने के लिए आर्मी का अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां आप स्ट्रेटेजिकली रख रहे हो।
और इतना अच्छे से किया है, पता है किसने किया है? हे आचार्य, आप जानते हैं किसने किया है? ये द्रुपद के पुत्र ने किया है, धृष्टद्युम्न ने, जो उनका सेनापति है। अच्छा, द्रुपद पुत्र ने किया तो ठीक है। तव शिष्येन धीमता, वो आपका शिष्य, अरे आप ही ने सिखाया, हमारे विरुद्ध खड़ा है। अर्जुन भी आपका शिष्य, सब आप ही के शिष्य हैं। तो ये इंटरनल युद्ध चल रहा था, क्योंकि द्रुपद महाराज जो द्रौपदी के पिता हैं और धृष्टद्युम्न द्रौपदी का भाई है, द्रुपद महाराज और द्रोणाचार्य ये बड़े ही निकट के मित्र थे बचपन में, और उन्होंने कहा हम जब बड़े होंगे तो एक दूसरे की संपत्ति को आधा बांट लेंगे। तो द्रोणाचार्य गरीब रह गए और द्रुपद महाराज महाराज बन गए। तो द्रोणाचार्य गए, भाई मैं बहुत गरीब हूँ, तुम अपना आधा मुझे दे दो, तुमने वचन दिया था। द्रुपद महाराज ने भगा दिया इंसल्ट करके। तो द्रोणाचार्य को बड़ा बुरा लगा। फिर आगे द्रोणाचार्य जब कुरु वंश को सिखाने लगे तो उन्होंने कौरवों और पांडवों को बोला कि जाओ, ये तुम्हारी परीक्षा है, पहले कौरवों को भेजा, जाओ और जीत के लाओ, द्रुपद महाराज को जीवित पकड़ना है। तो नहीं पकड़े, हार के आ गए। फिर पांडवों को भेजा, अर्जुन अकेले गया और जीत के आ गया, द्रुपद महाराज को बंदी बना के ले आया। उसके बाद द्रुपद महाराज ने देखा कि ऐसा बेटा मेरा होना चाहिए था, अर्जुन। अर्जुन अगर मेरा बेटा होता तो कितना अच्छा, लेकिन ठीक है, अर्जुन हमारा बेटा नहीं बन सका तो क्या हुआ, हमारा दामाद बनेगा। और तुरंत एक यज्ञ किया, द्रुपद महाराज ने यज्ञ किया, जिस यज्ञ कुंड से निकली कौन, द्रौपदी। इसलिए द्रौपदी विशेष है, वो कोई साधारण नारी नहीं है, कुंड से निकली, अग्नि कुंड से, और वो उसमें और निकला धृष्टद्युम्न, द्रौपदी का भाई, जो क्योंकि द्रुपद महाराज ने यज्ञ किया कि मेरे को ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य को मारेगा। अब देखिए ब्राह्मणों के गुण को समझिए, ये होते हैं असली ब्राह्मण। द्रोणाचार्य को पता है धृष्टद्युम्न जो मेरे पास सीखने आया है धनुर्विद्या, ये मुझे मारेगा भविष्य में, पता है ये मुझे मारेगा, लेकिन फिर भी मैं सिखाऊंगा क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। इसीलिए यहां पे व्यंग मार रहा है दुर्योधन, तव शिष्ये न धीमता, आपने सिखाया भुक्तिये, तो भी क्या हुआ, द्रोणाचार्य को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो धर्मनिष्ठ हैं, धर्म परायण है। भीष्म द्रोणाचार्य ये सब धर्म परायण है, क्यों दुर्योधन के साथ इनको लड़ना पड़ा, क्योंकि इनका वचन था। द्रोणाचार्य बहुत गरीब हो गए थे, तब इनको कौरवों को बच्चों को सिखाने का इनको एक होम ट्यूशन टाइप का लगा दिया। तो जब द्रोणाचार्य ने बोला जब मैं बहुत तकलीफ में था तब कुरुवंश ने मुझे सहायता किया, तो आज मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। और भीष्म ने तो वचन दिया था सत्यवती के पिता को कि जो भी राजगद्दी पे बैठेगा हस्तिनापुर की, मैं उसको सपोर्ट करूंगा, चाहे कोई भी बैठे, वो भी अपने वचन से बंधे। भगवान एक बार अर्जुन को बोलते हैं कि तुम कुरुवंशों को, जो कुरुवंश है, तुम लोग भरत वंशी हो, तुमको कुछ परेशानी है क्या? अर्जुन पूछता है क्या, तुम लोग ऐसे बड़े बड़े वचन ले क्यों लेते हो, जिसके कारण मुझे परेशानी होती है। क्योंकि अर्जुन वचन ले लेता है ना कि आज अगर कल अगर सूर्यास्त के पहले जयद्रथ को नहीं मारूंगा तो मैं खुद मर जाऊंगा, तो भगवान को फिर अरेंजमेंट करना पड़ा। अब इसके बाद कुछ डिस्कशन चलता है द्रोणाचार्य में, और दुर्योधन ही ज्यादा बोलता है। अब उसके बाद शंखवादन होता है, ये तो हो गई इनकी आर्मी कौरवों की, कौरव दिखा रहे दुर्योधन। अब इधर भगवान के रथ पे फोकस जाता है, तो अर्जुन का रथ भगवान चला रहे हैं, भगवान का है, अर्जुन का रथ है। तो इसमें कहते हैं ततः श्वेते हैर्युक्ते महती चंदने स्थितौ माधवा पांडवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदत्मतुहु। उधर क्या हुआ, भीष्म को भी ताना मारा, पहले तो द्रोणाचार्य को ताना मारा अर्जुन ने, दुर्योधन ने, फिर भीष्म को बोलता है कि देखो आपने हमेशा अर्जुन को सपोर्ट किया है, मैंने देखा है घर में बचपन से, आज नहीं करना, ये युद्ध है। तो
भीष्म बोले ठीक है तो मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है। तो द्रोणाचार्य को खुश करने के लिए शंख बजाया भीष्म ने। भीष्म ने शंख बजाया तो सारे कौरवों ने शंख बजाया और नगाड़े बजने लगे, बैंड बाजा बजने लगे, युद्ध की तैयारी हो रही है। लेकिन बस उतना ही हुआ, ज्यादा कुछ दम नहीं था इन लोगों में शंख बजाने में। अब इधर क्या हो रहा है, भगवान शंख बजाएंगे पहला। कोई भी सेनापति हो, युधिष्ठिर महाराज जानते हैं कि भगवान भगवान है, पहला शंख भगवान बजाएंगे। तो इसमें बताया कि अर्जुन के जो रथ था, अर्जुन के रथ को घोड़े खींच रहे थे सफेद, श्वेत हैर युक्त, और सारथी कौन थे, कृष्ण। तो इससे हमको भी सीखना चाहिए कि हमें भी अपने जीवन का सारथी कृष्ण को या कृष्ण के भक्त को बनाना चाहिए। कृष्ण या कृष्ण का भक्त सेम है, जो हमें दिशा दिखाए, हमें सही दिशा में लेके जाए। अब यहां पे शब्द अलग अलग कृष्ण के दिए गए गीता में, कहीं ऋषिकेश, कहीं पांडव, कहीं माधव, इन शब्दों का महत्व है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पांचजन्यम ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंख भीम कर्म वृकोदर। अब देखिए इसमें ये अगले जो 6-7 श्लोक हैं, 14 से 20, पहला सेक्शन तो हो गया एक श्लोक, फिर दूसरा से 13 हो गया ये दूसरा सेक्शन, ये तीसरा सेक्शन है। भगवद गीता के चैप्टर्स को सेक्शन में बांटा गया। अब ये 14 नंबर से ये जो है 20 नंबर तक, और फिर 21 से 26 और 27 से 43 तक अर्जुन जो है अपने कारण बताएंगे, वो हम आगे देखते हैं। इन 7 श्लोकों में ऐसे कुछ बातें बताई गई जिससे पता हो जाएगा, जिससे प्रूफ हो जाएगा कि पांडव जीतेंगे। सबसे पहले देखिए, माधव पांडव चैव, कौन बैठा है अर्जुन की रथ में, पांडवों के साथ कौन है, माधव, कृष्ण का एक नाम है माधव। माधव का मतलब होता है लक्ष्मीपति, जो लक्ष्मी के पति हैं। तो लक्ष्मी मतलब समृद्धि, विजय होगा, लक्ष्मी आएगी, मतलब ये तो जरूर है जहां भगवान माधव हैं वहां विजय होगी, एक हो गया। दिव्य शंखो प्रदत्त मतो, शंख कैसे हैं पांडवों के और भगवान के, दिव्य शंख हैं। जब दिव्य शंख है तो दिव्य पावर भी है ना? उसके बाद सघोषो धास्त्राष्ट्रा नाम हृदयानि व्यदरायत, हृदय कैसा हुआ जब शंख बजाया कृष्ण ने और अर्जुन ने शंख बजाया और सबने शंख बजाया, नगाड़े बजने लग गए, तो इनके शंख की आवाज ऐसी, ऐसा घोष हुआ, ऐसा उद्घोष हुआ कि धृतराष्ट्राणा मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र जो दुर्योधन और पार्टी थी, सबको ऐसा लगा जैसे हार्ट अटैक आ गया, इतना जोर से बजा शंख, क्योंकि दिव्य शंख है। तो पहले तो माधव दिव्य शंख, फिर इनके हृदय को एक एक अटैक आना मान लीजिए। और क्या है, और कुछ चिन्ह है, हाँ ये कुछ चिन्ह आपको बताते हैं, ये याद रखिएगा, इससे पता पड़ेगा कैसे विजय मिला। सबसे पहले धर्म क्षेत्र तो है ही, ये हमने पहले बताया, धर्म का क्षेत्र है तो धर्म को ही सपोर्ट करेगा, अधर्म को तो नहीं करेगा। दूसरा है कपित ध्वज, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं अर्जुन के रथ के ऊपर एक ध्वज है, झंडा है, उसमें हनुमान जी हैं, कपित ध्वज, अर्जुन के रथ का नाम है कपित ध्वज, कपि मतलब हनुमान जी। आपको महाभारत में आपने सुना होगा भीम गए जा रहे थे द्रौपदी के लिए फूल लाने के लिए, पूजा के लिए, ऊपर स्पेशल फूल 1000 पत्र वाले, तो जा रहे थे तो वहां पे एक बंदर लेटा हुआ था, बड़ी पूछ से बूढ़ा था, वृद्ध बंदर। भीम ने बोला चलो हटो, रास्ता खाली करो, हमको जाना है। और बंदर बोला भाई मैं नहीं हट सकता, थक गया हूँ, तुमको चाहिए तो तुम मेरी पूछ उठाओ, हटाओ। तो भीम ने सोचा अरे मेरे पास कितना ताकत है, बंदर को ऐसे उठा के करने का कोशिश किया, पूछ को हिला नहीं पाए। फिर दोनों हाथ से ताकत लगाया, पूरा ताकत लगाया, बार बार लगा रहे, पूछ हिल तक नहीं रहा है। तो
तो भीम समझ गए कोई साधारण नहीं है, मैं नहीं ला पा रहा हूं, मतलब कुछ तो है। कहते हैं प्रभु आप कौन है? तो हनुमान ने, वो तो बंदर हनुमान जी थे, कहे मैं पवन पुत्र हनुमान हूं। भीम ने कहा मैं भी पवन पुत्र हूं। तो दोनों भाइयों का मिलन हुआ, दोनों भाई हो गए ना। तो भीम ने कहा हे प्रभु, जैसे आपने राम की सहायता की युद्ध जीतने में, हमारा भी युद्ध होगा, हमको भी आप सहायता दीजिए। तो हनुमान जी ने वचन दिया कि तुम्हारा छोटा भाई अर्जुन, जिसकी रथ भगवान चलाएंगे, क्योंकि वही राम वही कृष्ण है, तो मैं उसकी ध्वजा में आके बैठ जाऊंगा। वो सिर्फ पेंटिंग नहीं हो, भगवान हनुमान जी बैठ गए वहां पे। और जब उद्घोष हुआ तो हनुमान जी ने भी ललकारा और ऐसा आवाज किया कि कांप गए सारे दुश्मन। तो ये एक दूसरा चिन्ह है। फिर शंख जो है वो दिव्य है। तीसरा है अस्त्र जो है अर्जुन के, वो भी दिव्य है। अर्जुन के अस्त्र दिव्य है, वो साधारण नहीं है। रथ भी दिव्य था। ये अर्जुन का रथ तो अग्निदेव ने दिया था, मार्केट से खरीदा हुआ रथ नहीं था, अर्जुन को ये रथ अग्निदेव ने दिया। और माधव का हमने बताया, और कृष्ण स्वयं बैठे हैं। जहां पे कृष्ण है वो कौन हरा पाएगा? ऐसे ही मैच फिक्स था, पांडवों को जीतना था। लेकिन ये दुर्योधन, दुर्मति दुर्योधन, उसकी मति कैसी है? दुष्ट मति है, दुर्बुद्धि आएगा इसमें श्लोक में, दुर्बुद्धेर, दुर्बुद्धि जो दुर्योधन है वो मरने के लिए आया है यहाँ पे। मैच तो पहले से फिक्स था, क्योंकि भगवान है तो जीत उन्हीं की उसी पार्टी की होगी, धर्म है तो जीत उसी पार्टी की होगी। यार भाई ठीक है, भगवान ने सबको इकट्ठा किया, सबको कुरुक्षेत्र ले गए और सबको स्वाहा, जितने भी राक्षस थे, क्यों, भगवान तो स्वयं कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सजाम्य हम परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संतापनार्थाय संभवामि युगे युगे। असुरों का वध करने के लिए आया हूं, तो सारे असुरी राजाओं को और सेना को इकट्ठा किए सबको। अब कोई बोलेगा भगवान ने मार दिया, ऐसे कैसे? तो देखिए, भगवान ने मृत्यु जरूर दिया, लेकिन जिनका भी मृत्यु हुआ उनको मुक्ति भी तो भगवान ने दी। आप दे सकते हैं क्या मुक्ति? नहीं दे सकते, तो आपको मृत्यु देने का भी अधिकार नहीं है। हजारों हजारों लाखों करोड़ों पशु काटे जा रहे हैं संसार में, और हम बोलते हैं कि हमने क्या गलत किया, हमने क्या पाप किया जो ये कोरोना हमारे ऊपर आके बैठा है। क्योंकि आपने ये किया है, आपने दूसरों को परेशान किया है, आपने पाप किया है, तभी जो है ये कोरोना आपके पास आया। अब जब ये हो गया तो भगवान से अर्जुन कहते हैं सेनायोर भयोर मध्य, कि दोनों सेनाओं के मध्य में रथम स्थाप्य में अच्युत, हे अच्युत, हे भगवान कृष्ण, ये दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले चलो, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन है। पता तो था ना अर्जुन को, अर्जुन के व्हाट्सएप में पूरी लिस्ट आई थी कौन कौन उधर से लड़ रहा है, दुशासन, दुर्योधन, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्मदेव, पूरी लाइन थी, लेकिन फिर भी देखना चाहते थे। तो भगवान सोचे ठीक है तुमको दिखा लाते हैं, आज भी आप कुरुक्षेत्र में जाएंगे, कुरुक्षेत्र स्थान पे, तो वहां पे वो जगह है जहां पे अर्जुन का रथ पहले खड़ा था ब्रह्म सरोवर के पास, और फिर जहां पे भगवान ने गीता बोली ये रथ खड़ा वहीं पे, ज्योतिसार नामक जगह है। तो रथ को बीच में लेके आ गए। दुर्योधन सोच रहा है क्या चल रहा है, क्योंकि शंख बज गया है, कभी भी युद्ध हो सकता है, कभी भी जो है तीर चलाया जा सकता है। लेकिन दुर्योधन, भीष्म देव ने बोला रुको, वो युद्ध नहीं करने आ रहा है, कुछ और है। इधर कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन का रथ जो है भीष्म देव और द्रोणाचार्य के सामने ले जाके रख दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखता उनके सामने। अब ये भगवान चाहते तो दुर्योधन के सामने भी रथ रख लेते, अर्जुन को ऐसा क्रोध आता कि वही मार देता, लेकिन नहीं, भगवान ने जानबूझ के ये रथ कहां पे रखा, द्रोणाचार्य और भीष्म के पास, क्योंकि अर्जुन इनको देखेगा मोहित हो जाएगा
और फिर मैं भगवत गीता सुनाऊंगा, ये प्लान था। क्योंकि भगवत गीता तो सुनाना था भगवान को, मौका देख रहे हैं, मिल गया मौका। अर्जुन देखते ही परेशान, पूरी तरह परेशान, अरे तो दादा है मेरा, हाँ बचपन में मेरे को चॉकलेट खाना लेता था तो इन्हीं से पॉकेट मनी लेता था मैं, पिता को तो मैं खो चुका, यही दादा ने मुझे प्रेम दिया, अरे तो गुरु है हमारे द्रोणाचार्य, इन्होंने ही तो मुझे सिखाया है सब कुछ, आज जो भी मैं बाण चला सकता हूँ, दिव्य अस्त्र चला सकता हूँ, सब तो मुझे द्रोणाचार्य। और फिर पांच कारण अर्जुन देगा नहीं मारने के, ये है वो पांच कारण। सबसे पहला कारण है करुणा, ये पूरा भगवद गीता का हमने कहा ना कि श्लोक नंबर 27 से लेकर 43 तक, और एक कारण अगले अध्याय में जिसको हम कल देखेंगे, लेकिन थोड़ा पढ़ लेते हैं। करुणा श्लोक नंबर 28, 29, 30, अर्जुन कहते हैं अर्जुन के शरीर में पूरा परिवर्तन हो गया, रोंगटे खड़े हो गए, शरीर कांपने लगा, गला सूखने लगा, आंख से आंसू बहने लगे, अर्जुन का सर चकराने लगा। क्यों? डर नहीं रहा था अर्जुन, अर्जुन ने तो देवताओं को परास्त कर दिया था, इनसे क्या डरेगा दुर्योधन पार्टी से। लेकिन अर्जुन मोहित हो गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप एक उदाहरण देखिए, एक डॉक्टर है, उसको ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन कर रहा है, इतने सारे ऑपरेशन करता है, एक और ऑपरेशन आ गया, उसको पता नहीं केस कौन है, उसने सोचा चलो चालू करो, तैयारी करो, लेकिन उसको बाद में पता पड़ता है उसका बेटा ही है, तो क्या कर पाएगा ऑपरेशन? नहीं, हाथ कांपेगा। इसीलिए अपने स्वजनों का ऑपरेशन नहीं कर सकता है ना? तो अर्जुन को वही लग रहा था, भले द्रोणाचार्य गलत साइड दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं गलत साइड का, भले भीष्मदेव गलत साइड का सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन वो मुझे प्रिय है, वो मुझे प्रेम करते हैं, मैं कैसे छोड़ दूं? और ये दुर्योधन भी तो मेरा भाई है, ये सारे भाई बंधु हैं, क्योंकि तो फैमिली युद्ध था ना, फैमिली वॉर था। अरे नहीं, मैं नहीं मानूंगा। फिर कहते हैं ये पहला कारण। दूसरा कारण है भोग की हानि, 31 नंबर श्लोक से 35 नंबर, ये पांच श्लोक में किमनो राजन गोविंद कहते हैं भगवान से, हे गोविंद क्या फायदा होगा अगर मैं जीत भी जाऊंगा तो? अरे मैं जीत जाऊंगा, सब मर जाएंगे, तो मैं किसके साथ एंजॉय करूंगा, पार्टी किसके साथ करूंगा, जीत के भी क्या फायदा होगा? देखिए आप भी कुछ अगर आनंद प्राप्त करना चाहते, कोई व्यक्ति अकेला आनंद प्राप्त नहीं कर सकता संसार में, उसको चाहिए कोई तो साथ में चाहिए ना, अकेला कैसे रहेगा? अब आप बोलोगे कि लेकिन अर्जुन के तो पास था, चार पत्नियां थी और पांडव थे और इतने सारे तो सब थे, कुंती माता थी, भाई बंधु थे, कृष्ण है, लेकिन अर्जुन एक जॉइंट फैमिली में रहे हैं बचपन से, जहाँ पे 100 तो सिर्फ दुर्योधन के भाई हो गए, 5 ये पांडव, 105, और पूरा परिवार बड़ा परिवार था, दादा दादी नाना नानी सब रहते थे उधर, ऐसे परिवार में पला बड़ा। अभी वो बोले जीत के क्या करूंगा मैं जीत जाऊंगा ये सब मारे जाएंगे, क्या फायदा, बचेगा क्या? और इनको मार के जीत के मुझे क्या मिलने वाला है? मेरे को नहीं मारना है इनको, नहीं जीतूंगा मैं, नहीं जीतना, नहीं मारना है, मैं जा रहा हूं, मैं युद्ध छोड़ के जा रहा हूं, दुर्योधन को लेने दो राज्य, मेरे को नहीं लड़ना है। ये सबका आंसर, ये पांचों का आंसर भगवान पूरे गीता में यही तो देंगे, दूसरे अध्याय में सबका आंसर देंगे भगवान। फिर तीसरा कारण बताता है अर्जुन, पाप का फल। बोलता है कृष्ण हम पाप करेंगे अपने लोगों को मार के? नहीं, शास्त्र कहते हैं कि जो अधर्मी है उसको मारो, वो पाप नहीं है, लेकिन सजा देने का जो अधिकार है वो हमारा नहीं, वो राजा का होता है। ये नहीं कि हर कोई उठा ले हथियार और चला जाए, क्यों? राजा जीवित है, राजा करेगा, लेकिन राजा को धर्म से चलना चाहिए कि अगर जो अधर्मी है उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर छोटा अधर्म किया है तो जेल में डाल दो, बड़ा अधर्म किया है तो पिटाई कर दो, और बहुत बड़ा अधर्म किया है तो फिर उसका जान ले लो, मृत्यु दंड। वो तो आज भी कोर्ट कचहरी में ऐसे ही चलता है। तो ये हो गया चौथा कारण। अर्जुन बताते हैं पारिवारिक परंपराओं का नाश। बोलते हैं कृष्ण अगर ये सब मारे जाएंगे, ये सब तो
पुरुष आए हैं ना युद्ध करने, सारे पुरुष मारे जाएंगे तो स्त्रियां बचेंगी पीछे, उनका क्या होगा, कौन ध्यान रखेगा उनका, फिर उनका तो शोषण करेगा दुनिया के लोग। जब उनका शोषण होगा, उनसे जो संतान उत्पन्न होगी वो सब क्या हो जाएगा, वो होगा वर्ण शंकर, कुल का नाश हो जाएगा, क्योंकि जो संतानें उत्पन्न होगी सब वर्ण शंकर। वर्ण शंकर मतलब ऐसी संतान जिसमें कोई संस्कार नहीं है। आज संसार में प्रायः वर्ण शंकर चल रहा है, और ये वर्ण शंकर से उत्पन्न हुई संतानें क्या करेंगी, ये लुप्त हो जाएगा क्या, पिंडदान, कोई संस्कार नहीं, पिंडदान नहीं होगा पूर्वजों का, सारे पूर्वज नरक में चले जाएंगे, पूरा कुल का नाश हो जाएगा हमारा। तो क्या फायदा कृष्ण ऐसे लड़ने से कि कुल का नाश हो जाए। और फिर दूसरे अध्याय में आएगा असमंजस, अर्जुन कंफ्यूज है कि लड़ना अच्छा है कि नहीं लड़ना अच्छा है, क्योंकि नहीं लड़ने के इतने कारण है तो इसलिए नहीं लड़ू उसको फायदा है। तो ये अर्जुन ने चार कारण रखे पांच इस अध्याय में और एक कारण अगले अध्याय। तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप जो है इसको पढ़िए गीता, ये जो भगवद गीता है यथारूप, उसको पढ़िए। और अगर आप पढ़ के आते हैं कम से कम कुछ नहीं तो तात्पर्य पढ़ के आइए, सॉरी अनुवाद पढ़ के आइए, 15-20 मिनट लगेगा, तो आपको ये फ्लो और अच्छे से समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। सारांश के रूप में हमने देखा कि पहला सेक्शन, तो पहला तो श्लोक धृतराष्ट्र का था, फिर युद्ध की तैयारी दुर्योधन बोलते हैं ज्यादातर श्लोक यहाँ पे, और फिर विजय के चिन्ह हमने देखे, सात चिन्ह देखे, दिव्य रथ, दिव्य अस्त्र, दिव्य शंख, फिर कपिध्वज, फिर माधव और कृष्ण, ऐसे करके हमने अलग अलग चिन्ह देखे विजय के। तो इससे पता पड़ गया विजय किसकी होगी, पांडवों की होगी। भगवान भक्तवत्सल है, जब अर्जुन ने कहा रथ को ले चलो तो भगवान अपने भक्त के लिए भी रथ को लेकर चले, प्रभु की लीला देखिए, अपने भक्त के ड्राइवर बन गए। और अर्जुन ने फिर अलग अलग अपने तर्क देना प्रारंभ किया। कल भगवान, हम कल दूसरा अध्याय देखेंगे, भगवान इन पांचों तर्क का उत्तर देंगे, अर्जुन को समझाएंगे, क्योंकि अर्जुन बोल रहा है हे प्रभु धर्म सिखा रहा है, कृष्ण को धर्म सिखा रहा है। अरे जिनके मुख से धर्म निकला है, धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम, जिनके मुख से धर्म निकला है उसको धर्म सिखा रहा है। तो अर्जुन बोलता है कि अर्थशास्त्र के हिसाब से इनको मारना ठीक है कृष्ण, लेकिन धर्म शास्त्र के हिसाब से नहीं। कृष्ण बोलते हैं अरे तुम अर्जुन मूर्ख है, तुम अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र छोड़ो, मैं तुम्हें भक्ति शास्त्र सिखाता हूं जो सर्वश्रेष्ठ है। बोलेंगे अगले अध्याय में, तुम बात तो पंडित जैसी कर रहे हो अर्जुन, बड़ा बड़ा लॉजिक दे रहे हो, शास्त्र को बता रहे हो, लेकिन तुम पंडित नहीं हो। मोहित हो जाता है ना व्यक्ति, जो उसका पूरा ज्ञान ढक जाता है, उसकी पूरा जो है ज्ञान को आवृत कर लेता है। तो इसलिए हमेशा ज्ञान के साथ हमको रहना चाहिए। आज हमारे जीवन में देखिए परिस्थिति अर्जुन जैसी हो जाती है, हम घबरा जाते हैं, हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, कुछ डिसीजन नहीं ले पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या है सही क्या गलत नहीं पता पड़ता, ये हमारी परिस्थिति है। अर्जुन की जो ये परिस्थिति है, यही परिस्थिति तो हमारी है। अगर हम ये समझ जाएं पहले अध्याय में, ये समझ जाएं कि जो अर्जुन की परिस्थिति है, जो थी भगवद गीता के पहले अध्याय में, हमारी वही परिस्थिति है। अगर ये आप समझ जाएंगे तो आपको पता है कि भगवद गीता आगे आनंद आएगा समझने, क्योंकि ये भगवद गीता भगवान अर्जुन को नहीं, ये आपको सुना रहे हैं, आपको समझना है, ये आप सबके लिए इंडिविजुअली एक एक को भगवान सुना रहे हैं। हर किसी को ये सोचना चाहिए कि भगवान मुझे इस भगवद गीता के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं। जो अर्जुन की परिस्थिति हमारी परिस्थिति, लोग विचलित हो रहे हैं,
इसलिए तो कहा जा रहा है कि नेगेटिविटी मत फैलाइए, पॉजिटिविटी फैलाइए, क्योंकि इतने कोरोना केस, इतने मृत्यु, ये तांडव लोगों ने देखा नहीं है। बट ये प्रलय तो बार बार आते रहता है, ये तो छोटा है तो प्रलय भी नहीं है, लेकिन उसको फैलाया जा रहा है, उस न्यूज को फैलाया जा रहा है, फैलाते फैलाते भारत के लोग सब विचलित हो गए, घबरा गए। और इंटरनेशनल मीडिया तो सीधा सीधा कहता है, विदेशी जो अखबार है वो तो सीधा सीधा कहता है भारत खत्म हो गया, इंडिया इज फिनिश्ड बोलते हैं। अरे भगवान देखेंगे, तुमको क्या करना है और हमको क्या करना है, ऐसे भगवान का काम है। भगवान को जिस दिन बंद करना है बंद कर देंगे, लेकिन अभी ये सृष्टि चलनी है, अभी टाइम नहीं हुआ है बंद करने का। ये तो भगवान हमें सिखा रहे हैं कि तुम लोगों ने इतने पाप किए हैं, उसका परिणाम भी तो देख लो। लेकिन हम विचलित हो जाते हैं, तो इसीलिए ये भगवद गीता हमारे लिए जरूरी है कि ऐसी परिस्थिति में भी हम कैसे धीर रहें, स्थिर रहें और अपनी बुद्धि से कार्य को करें, ये समझना बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा। यस आशुतोष कुमार सिंह जी, पूछिए आपका प्रश्न, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, प्रश्न पूछिए जी। सर मेरा प्रश्न है कि क्या सब भगवान एक ही होते हैं? ओके ठीक है ठीक है, आप अपना प्रश्न पूछ के म्यूट कर दीजिए, प्रश्न छोटा रखिए और म्यूट कर दीजिए, हम आपको उत्तर दे देंगे। तो क्या सभी भगवान एक हैं? आशुतोष जी का प्रश्न है, जैसे अल्लाह है, जैसे भगवान कृष्ण है, राम है, यस भगवान तो एक ही होते हैं, अलग अलग रूप में आते हैं, अलग अलग अवतार में आते हैं, लेकिन भगवान के जो सेवक होते हैं वो देवता होते हैं, जैसे ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, इंद्र हैं, चंद्र हैं, वो भगवान नहीं है, वो भगवान के सेवक हैं। अब जैसे जैसे भगवद गीता आगे बढ़ेगा, आपको ये और समझाने में हम आपको समझाते रहेंगे कि ये जो है ये तो भगवान के सेवक हैं। तो एक होते हैं भगवान, हाँ, फिर भगवान अलग अलग अवतारों में आते हैं, राम अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, वराह अवतार, ये सब भगवान के अवतार है, विष्णु अवतार, नारायण अवतार, फिर भगवान के सेवक होते हैं, उसमें से कुछ पावरफुल सेवक होते हैं, जैसे शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, इंद्र, चंद्र, सूर्य ही हैं, फिर भगवान के भक्त होते हैं जो साधु संत होते हैं, जो यहाँ प्रचार करने आते हैं, जो भगवान की वाणी को फैलाते हैं और हम जैसे लोगों को समझाते हैं, और फिर हम जो संसार में बंधे हुए लगे हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरी है, हर कोई भगवान नहीं है, हर देवता भगवान नहीं, देवता देवता है, भगवान भगवान है, ठीक है। यस तन्वी देसाई आप। हाँ, हरे कृष्ण। भक्ति में भी आकर भी हमें एक भक्त होने का अहंकार होता है, तो इसे कैसे नष्ट करें? भक्ति में भी आने के बाद हमको अहंकार होता है तो इससे कैसे बचें? तो कोई बात नहीं, शुरू में वो अहंकार भी अच्छा है, क्यों? वो आपको भक्ति में रखता है, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमको समझना चाहिए। और जैसे जैसे आप गीता पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, समझेंगे कि हम तो भगवान का एक छोटा अंश मात्र है, और जो बेचारा भक्ति में नहीं आ पाया वो भी तो हमारा भाई है, हमारी बहन है, वो भी भगवान का बच्चा है, हम भी भगवान के बच्चे, वो हमारा ही है, वो कोई अलग नहीं है। तो मान लीजिए अभी तो कोरोना का है, तो कोरोना का उदाहरण देते हैं, अगर एक परिवार में चार लोग को कोरोना हो गया, पांच भाई हैं, चार को कोरोना हो गया, तो क्या पांचवें को आनंद मनाना चाहिए? नहीं, ठीक है मैं बचा हूं, मैं इनकी सेवा करूंगा, ये चारों क्वारंटाइन में है, मैं इनकी सेवा करूंगा, तो ये प्रयास करना चाहिए। अगर ये पांचों भाई ठीक हो गए, अब वैक्सीन लगाने का समय आया, एक वैक्सीन मिला तो एक भाई लगाया, दूसरा मिला दूसरा, तो जिसको वैक्सीन लग गई एक को, तो ये सोचेगा ये चार को मरने दो, मेरे को वैक्सीन मिल गई? नहीं, ये सोचेगा अरे मुझे और प्रयास करना चाहिए वैक्सीन लाने के लिए, और इनको भी इंजेक्शन लगाना चाहिए। तो ऐसे ही अगर आप साधुओं की और भगवान की कृपा से आप भक्ति में आ गए, भक्त बन गए, तो आपको प्रयास करना चाहिए कि दूसरों को भी लाएं। अगर नहीं ला पा रहे हैं, कम से कम भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु आपने मुझ पे तो कृपा की और मैं भक्ति से जुड़ गई, तो आप इन पे भी सब पे कृपा कीजिए और इनको भी सबको भक्ति से जोड़िए, सबको ज्ञान का मार्ग दिखाइए।
तो वो हमको हृदय में हमारे करुणा होनी चाहिए, फिर ये अहंकार जो है ये चला जाएगा। वीना त्रिपाठी जी पूछिए आपका प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांडव इतने मतलब भक्ति में थे, फिर भी उनको इतना कष्ट क्यों मिला? जैसे मैं 45 सालों से भक्ति में हूँ, लेकिन मुझे इतनी कष्ट मिली और इतना कष्ट मिल रहा है कि अब मतलब। ठीक है, बताते हैं आपका आंसर। तो भक्ति में आने के बाद भी भक्तों को कष्ट क्यों मिलता है? तो देखिए, पांडवों का तो अलग केस है। पांडव शुद्ध भक्त हैं, भगवान उनके माध्यम से हमको सिखा रहे हैं। भगवान अपने शुद्ध भक्तों को कष्ट में रखते बहुत चीजें सिखाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक सास जो होती है उसकी नई नई बहू आई है, किचन में कुछ गड़बड़ हो गया, बहू को नहीं पता, थोड़ा नर्वस हो गई, किचन में गड़बड़ हो गया, लेकिन नई बहू को डांट तो नहीं सकती ना, लेकिन सुधारना तो है, तो डांटेगी किसको? अपनी बेटी को। तो बहू को सिग्नल मिल जाएगा। ऐसे ही भगवान अपने शुद्ध भक्तों को ऐसी परिस्थिति में रखते हैं हमको कुछ सिखाने के लिए, पहली बात। दूसरा सिखाते हैं भगवान कि देखो, अगर मेरे शुद्ध भक्त को देखो, कितना भी कष्ट हो, कितना भी परेशानी हो, फिर भी वो मुझे छोड़ के नहीं जाता है? अब हमारा केस देखिए डिफरेंट है माता जी। हमारे केस में हम भक्ति में आए जरूर हैं, लेकिन हमारे पूर्व कर्म तो है ना, वो तो खत्म नहीं हुए ना। हमारे कर्मों के अनुसार संसार में हमको सुख दुख दोनों मिलेगा। तो भक्ति के कारण दुख नहीं मिल रहा है, न भक्ति में आने के कारण दुख मिल रहा है। आप भक्ति में आ रहे हैं, वो अपना अगला जन्म आप तैयारी कर रहे हैं, मोक्ष की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो पिछला हिसाब किताब है वो तो चुकाना पड़ेगा ना। तो भक्ति आपको दुख से दूर नहीं करता, भक्ति दुख सहने का आपको शक्ति देता है। क्योंकि भगवान बोलते हैं जो कर्म है वो आपको काटने पड़ेंगे। अगर तुरंत भगवान सब कुछ हटा देंगे, बुरे कर्म हमारे उसका फल हटा देंगे, हा? उसके लिए हमको वैसा तैयारी करना पड़ेगा। भगवान गीता के अंत में कहेंगे, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तोम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि आप सब छोड़ के सिर्फ मेरी शरण लीजिए, तब भगवान आपके पाप कर्मों को, उसके फलों को नष्ट कर देंगे। तो वही हम प्रयास कर रहे हैं। आप जो 45 साल से लगे हैं उसको लगे रहिए, जितना हो सके उतना अच्छे से आप हरे कृष्ण मंत्र जप कीजिए, जितना अच्छे से ध्यान पूर्वक जप करेंगे उतना आपको एक हिम्मत मिलेगा, एक शक्ति मिलेगी, और फिर आप देखेंगे कि भक्ति की शक्ति कितनी पावरफुल है। ठीक है, अनिक सरकार जी पूछिए प्रश्न आपका। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं अनिक सरकार कोलकाता से बात कर रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये पूछना था कि कई जगह ऐसा भी लिखा हुआ है कि शिव जी भी मतलब कृष्ण से भिन्न नहीं है, फिर भी मतलब इस्कॉन वाले मतलब आप लोग भी बोलते हैं, मैं आप लोगों का काफी इज्जत करता हूँ प्रभु जी, आप लोग कहते हैं कृष्ण सबसे ऊपर है, तो कई जगह जो लिखा हुआ है शिव जी कृष्ण से भिन्न नहीं है, तो क्या किस मतलब किसको ऊपर स्थान दे, यही पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो ब्रह्मा जी बताते हैं ब्रह्म संहिता में कि कृष्ण दूध के समान है, शिवजी दही है। अभी दूध से ही दही बनता है, लेकिन दही को वापस दूध नहीं कर सकते और दही दूध नहीं है, है ना? तो कृष्ण दूध है और शिवजी दही है। एक बात, शिवजी कृष्ण को जो इतने प्रिय हैं कि उनको बहुत शक्ति दे के रखे। जैसे हम कभी कहते हैं ना, ये देखो ये बेटा एकदम बाप के समान है, बेटा बाप के समान है, लेकिन बेटा बाप नहीं है, उसके समान है, मतलब उनके गुणों में उनके समान है। या हम कहते हैं ये व्यक्ति देखो एकदम इसका शेर के जैसा हृदय है, या शेर के जैसी इसकी चाल है, वो शेर नहीं है, ऐसी उपमा दी जाती है। ऐसे तो हम भी साधारण मनुष्य जो है, जीव है, क्वालिटेटिवली हम भगवान के समान है, लेकिन क्वांटिटी में नहीं। शिवजी तो बहुत ऊंचे हैं क्वांटिटी में, लेकिन क्वालिटी में समंदर पूरा लीजिए या समंदर की एक बूंद लीजिए, दोनों ही नमकीन है।
लेकिन एक बूंद समंदर के बराबर नहीं हो सकती। तो शिव जी कृष्ण के अंश हैं, लेकिन कृष्ण नहीं। तो अंश जो होता है वो पूर्ण का समान हो सकता है। आपका अगर ब्लड ग्रुप टेस्ट कराना है तो आप 5 ml खून देंगे, आपका ब्लड ग्रुप मेटा पड़ जाएगा। पूरा 5 लीटर खून शरीर से निकालने की जरूरत नहीं आप, लेकिन फिर भी 5 ml खून और 5 लीटर खून में फर्क है। तो शिव जी बड़े शक्तिशाली हैं, ब्रह्मा जी से भी ऊपर का उनका स्थान है, लेकिन वो भगवान कृष्ण नहीं है, क्योंकि शिव जी स्वयं भगवान राम का नाम जप करते रहते हैं। तो वही कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न निधि यादव। यस यस, अब भक्त लोग हाथ उठा रहे हैं, हम यहाँ पे पूछते जा रहे हैं, तो ठीक है। ओके, ये किनका है? ओप्पो A1K, आप पूछिए प्रश्न। गुरुजी। यस। हेलो गुरुजी, आपको प्रणाम। हमारे पास एक ही प्रश्न है कि इतने युग बीते हम भटकते हैं किसी ना किसी योनि में, अब जाकर हमें ये मौका मिला है कि हम अपने सच्चे प्रेमी अर्थात श्री कृष्ण को जान सके, उन्हें पूज सके, उनसे प्रेम कर सके, और वो भी इस हद तक कि वो हमें इसी जन्म में मिल जाए। तो आप कृपया कृपा करके यह बताइए कि ये कैसे हो सकता है संभव, हम उन्हें कैसे पा सकते हैं इसी जन्म में। ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि हम तो संसार में बहुत जन्मों से भटक रहे हैं, अब मौका मिला है कृष्ण भक्ति करने का, तो कैसे कृष्ण को इसी जन्म में प्राप्त करें। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न हम सबके अंदर होना चाहिए। ध्रुव महाराज में निकले थे, 6 महीने में कृष्ण को प्राप्त कर लिए, 6 महीने में। तो हम जितना दृढ़ होंगे, देखिए अगर बीमारी जितनी गहरी है उतनी शक्तिशाली दवाई भी होनी चाहिए। अगर डॉक्टर आपको बोलता है कि आपका बीमारी बहुत गहरा है और आपको दवाई दी जाती है ना, सवेरे आपको 5 गोली खानी है, दोपहर में 5 गोली खानी है, रात को 5 गोली खानी है, ऐसा चलेगा आपका कोर्स लंबा। लेकिन आप बोलते हैं नहीं नहीं गोली नहीं खाना है, 1 गोली खाऊंगा, 15 गोली की जगह मैं 1 गोली खाऊंगा, फिर कभी खाएंगे कभी नहीं खाएंगे, जो डॉक्टर नहीं खाने बोल रहा है वो हम खा रहे हैं, जो खाने बोल रहा है वो नहीं खा रहे हैं, कैसे बीमारी ठीक होगी? बुखार लगा पड़ा है फिर भी बर्फ का गोला खा रहे हैं, तो कैसे बीमारी ठीक होगा? इसीलिए भगवान हमें भगवद गीता में और अन्य ग्रंथों में बताते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो दवाई भगवान ने दी है, जो हरे कृष्ण महामंत्र, इस भौतिक संसार में, इस कलयुग में इसके अलावा कुछ और नहीं है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्य, हरे नाम के अलावा कुछ नहीं है। तो जितना ध्यान पूर्वक आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जितना ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण मंत्र सुनेंगे 16 माला कम से कम रोज, उतना जल्दी आपका हृदय शुद्ध होगा, और जब हृदय शुद्ध हो जाएगा आपके सामने कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। और कुछ चीजें हमको नहीं करनी है वो भी शास्त्रों में लिखी गई है, भगवद गीता में आपको सब पता पड़ेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हमको क्या करना चाहिए, 2 चीजें, एक हरे कृष्ण मंत्र ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, दूसरा भगवद गीता को डेली पढ़ना चाहिए। हरे कृष्ण मंत्र भी डेली जप करना है ध्यान पूर्वक, भगवद गीता भी ध्यान पूर्वक डेली पढ़ना है, तब आपको जल्दी से भगवान मिल जाएंगे। कुलदीप कुमार शर्मा जी पूछिए आपका प्रश्न। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं सिर्फ यही, पहला दिन है आज तो, जितना प्रभु की इच्छा से जितना समझ में आना था वो आया, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा आपके द्वारा ये जानना चाहता हूँ कि इसको किस तरीके से, मैं जो भी आप सिखा रहे हैं जो भी आप पढ़ा रहे हैं इसको किस तरीके से लिया जाए कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा समझ में आए। क्या मैं ये समझूं कि मैं अर्जुन हूँ या मैं कुछ, मतलब मैं प्रोसेस जानना चाह रहा हूँ किस
तरीके से मैं इसको ज्यादा डीपली समझ सकता हूँ? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। भगवद गीता को अच्छे से समझने का आपका भाव है, ये बहुत अच्छा भाव है। तो नहीं, हम अपने आप को अर्जुन नहीं समझना चाहिए, हम अपने आप को ये समझना चाहिए कि हम एक जन, हम एक साधारण मनुष्य हैं, लेकिन आज भगवान के और साधु संतों की कृपा से, प्रभुपाद जी कृपा से संभव में भगवद गीता के संपर्क में आया। तो अभी 18 दिन आपको और अटेंड करेंगे, आपको क्या करना चाहिए? अभी तो वैसे भी लॉकडाउन में हर जगह पर आया, काम कम है, आपको इस सेशन के पहले भगवद गीता को पढ़ के आना चाहिए, उस अध्याय को, जैसे अब दूसरा अध्याय है तो उसको पढ़ के आना चाहिए, तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। समझना जरूरी है और आप देखेंगे 18 दिन आपको समझ में आ जाएगा, इसका कुछ क्विज वगैरह भी होगा, आपको एक सार के रूप में भगवद गीता का फ्लो समझ में आएगा, पढ़ भी लिया सुन भी लिया, और फिर हम लेवल 2 में जाएंगे जहां पे इसको और डिटेल में हम समझेंगे, इसको हम लेवल 2 में लेके जाएंगे। अभी के लिए आप पढ़ के आइए तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है? लक्ष्मीकांत। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरे 2 प्रश्न है। एक तो ये प्रश्न है कि अभी जो कोरोना में जो जिनकी डेथ हुई है, तो वो अपने कर्म से मरे है क्या कोरोना से मरे है? ये मेरा फर्स्ट प्रश्न है। और दूसरा मेरा प्रश्न है, आपने जैसा बोला कि अर्जुन जो बोल रहा है कि पितरों को कैसे ये करे, अभी ऐसा है कि अपन जब मरते हैं तो उसके बाद अपने को एक कुछ शरीर मिलता है, उसमें अपन जी सकते हैं, तो ये पितर क्या होता है और वो सही में रहता है क्या? ओके, आपका पहला प्रश्न तो ये है कि जिनकी मृत्यु कोरोना से हो रही है वो कोरोना से मृत्यु हो रही है कर्म से? देखिए, संसार में कर्म के बिना कुछ नहीं होता, आपका ही कर्म का फल है, नहीं तो क्यों किसकी मृत्यु हो रही है, किसी की नहीं हो रही? कोई पूरे संसार में घूम रहा है उसको कोरोना नहीं हो रहा, कोई घर में बैठा है कमरे में उसको कोरोना हो जा रहा है। जिस समय जिसके साथ जो होना है वो होके रहेगा, कोई नहीं बच सकता। आपको अच्छा होना है, अच्छा होगा। अगर आपके आपके पास सडनली बहुत सारा पैसा आने वाला है तो आ जाएगा, कहीं से भी आएगा, आप सोए भी रहेंगे तो आपको उठा के पैसा दिया जाएगा, वैसे ही मृत्यु है। तो कोरोना तो एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है किसी के, जैसे इसराइल दुनिया का एक देश है जिसमें बहुत जल्दी कोरोना, बहुत ज्यादा कोरोना था लेकिन पूरा खत्म हो गया, जीरो हो गया कोरोना। अभी उन्होंने कल बड़ा फेस्टिवल किया वहां पे, उनका एक धार्मिक प्रोग्राम हुआ, उसमें 40 लोगों का भगदड़ मच गई, 40 लोगों की मृत्यु हो गई भगदड़ से, 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तो देखिए, जिसका जहां मृत्यु लिखा है वो होके रहेगा, इसका मतलब नहीं कि हमें अपने आप को बचाने का प्रयास नहीं करना। शास्त्र कहते हैं कि आप अपने आप को बचाने का प्रयास जरूर कीजिए, लेकिन फिर भी नहीं बचा सके नो प्रॉब्लम, मृत्यु तो सबकी होनी है, आज नहीं तो कल, इसीलिए रहते रहते, जीवित रहते रहते। हमारे भारतीय संस्कृति में कम से कम इतना है कि मृत्यु होने के बाद कुछ धर्म का कार्य करते हैं, कीर्तन करते हैं, गीता का पाठ करते हैं। अरे भाई, जो जीवित है उसके लिए करो ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मृत्यु के लिए कर रहे, लेकिन जो जीवित है उसको तो भगवद गीता सुना, उसको तो कीर्तन सुना। मृत्यु तो सबकी आनी है, कोरोना हो चाहे कोई बीमारी हो चाहे कैसे भी आ जाए, लेकिन जीते जी हम भक्ति करें वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा प्रश्न, पितर कौन है? देखिए, हमारे जो पूर्वज होते हैं वो पितर लोक में जाते हैं, पितर लोक नीचे में है, नर्क के पास, नर्क के पहले पड़ता है पाताल लोक के पास, तो वहां पे जाते हैं। अब वहां पे वो लोग भूखे बैठे हैं, तो हम यहाँ से जब पिंड दान करते हैं तो उनको खाना मिलता है। जैसे आप यहाँ पे बैठे हैं, मान लीजिए आपका भाई, छोटा भाई अमेरिका में बैठा है, अब वो आपको कुछ भेजना चाहता है तो वहां से कुछ बटन दबा देगा और आपको गिफ्ट मिल जाएगा। इंडिया में आपका एड्रेस डाल दिया, नाम डाल दिया, गिफ्ट आपको मिल जाता है। आप किसी को पैसे ट्रांसफर करते हो ATM के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, तो ऐसे ही जो पिंड दान होता है ये इंटरनेट बैंकिंग है। जब पिंड दान करते हो पूर्वजों के नाम का, तो जो पूर्वज पितृलोक बैठे हैं वो उनको मैसेज मिल जाता है, आपका अकाउंट में क्रेडिट हो गया, तो उनको साल भर बैठ के उधर खाना मिलेगा। आप नहीं भेजोगे तो उनको नहीं मिलता,
तो ये हमारा धर्म होता है पिंडदान करना। लेकिन अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो ये जरूरत नहीं है। अगर हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति योग से जुड़ गए तो फिर उनको मिलता है बेनिफिट, फिर आपको अलग से करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, संजीव गुप्ता आप पूछिए प्रश्न। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं जुहू से मुंबई से ही बात कर रहा हूँ। मुझे एक्चुअली डाउट था कि हमें एज एन इंडिविजुअल लॉ की तरफ से चलना चाहिए कि अपने धार्मिक रिचुअल से चलना चाहिए। मीन्स कुछ हमारे साथ गलत हुआ तो हमारे धर्म ग्रंथ में कुछ अलग पनिशमेंट है और लॉ में अलग है, और लॉ के हिसाब से वो सही पनिशमेंट कभी कभी नहीं होता और कभी कभी हमें इंसाफ भी नहीं मिलता। तो हमें किस वे से चलना चाहिए? तो देखिए, ऐसे तो धर्म के हिसाब से चलना चाहिए और जो राजा है देश का उसको धर्म के हिसाब से चलना चाहिए, तो कंफ्यूजन नहीं होता। अगर देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य का जो भी राजा है, इन लोग राजा हैं, इनको धर्म शास्त्र लेके चलना चाहिए। लेकिन अब इस कलयुग में अधर्म हो गया, खिचड़ी हो गई, तो इन्होंने अपना अभी लॉ बन गया, सब अपना अपना आते लॉ बनाते हैं तो शास्त्र को छोड़ देते हैं। तो अपने निज जीवन में तो हमको शास्त्र को ही पालन करना चाहिए, लेकिन लॉ में अभी दुनिया में जी रहे हो तो पालन करना पड़ेगा। अभी आप भारत में हो, अभी जैसे देखिए वैदिक समय में मेडिकल केयर फ्री था, हेल्थ केयर पूरा फ्री था, खाना फ्री मिलता था। अब आप जाएंगे रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, बोलेंगे नहीं मेरे को पैसा नहीं, फ्री देना चाहिए, शास्त्र में लिखा फ्री देना चाहिए, तुम दे नहीं रहे, इतना खाना रखे हो, तो वो तो फिर नहीं चलेगा ना, क्योंकि आप रह रहे हो ऐसे जगत पे, तो आपको थोड़ा उस हिसाब से चलना पड़ेगा। आप ट्रेन में ट्रैवल करोगे तो टिकट तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, तो लॉ तो फॉलो करना पड़ेगा हमको, लेकिन बाकी अपने जीवन पे हम शास्त्रों से गाइडेंस लेके आगे बढ़ते रहे, है ना। ओके, मारुति पूछिए प्रश्न आपका। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, मेरा ये प्रश्न था कि मैंने अभी तक तो भगवत गीता 5-6 बार पढ़ी है और भागवत पुराण भी मेरा ऑलमोस्ट 80% हो गया है, तो मैं पहले से सब अच्छी तरह से भगवान कृष्ण से ही मानता हूँ, उनके सब जो है एकादशी वो सब करता हूँ। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि अन्याय होता है तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अगर आपतिष्ट है तो भी उनका हत्या करना जरूरी है, बट ऐसा है कि लाइक ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू सही है, और हम जैसे कि भगवत गीता में बोला है कि रज तमस और सत्व गुण है, तो जैसे कि किसी को शिक्षा देने के लिए हमारा गुण थोड़ा तमोगुण हो जाता है, तो जैसे उसकी आत्मग्लानि लगती है मन को, तो उसकी उससे छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, तो आपसे कुछ गलत हो जाता है, तमोगुणी कुछ चीज हो जाती है, उससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आप भगवत गीता बार बार पढ़ते रहेंगे और हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे, तो भगवत गीता पढ़ने से आपको पता पड़ेगा सही क्या है, गलत क्या है, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। कैसे तमोगुण और रजोगुण से बचे, सतोगुण में रहे, ये आपको भगवत गीता से पता पड़ेगा। लेकिन पता पड़ने के बाद भी हम कुछ गलत करते हैं तो उसके लिए शक्ति नहीं होती हमारे पास, तो वो हरे कृष्ण महामंत्र से। तो इसलिए आप गीता पढ़िए, गीता सुनिए, उसे समझ में आएगा सही क्या है, गलत क्या है, और सही करने के लिए और गलत नहीं करने के लिए जो हमारे पास आध्यात्मिक शक्ति चाहिए वो आपको हरे कृष्ण मंत्र से मिल जाएगी, और इसको अभ्यास करना पड़ेगा। ये एक दिन में नहीं होगा, करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो एक दिन वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, यस, चेतना राठौर पूछिए आपका प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं अभी कुछ दिनों से 16 माला जप करना स्टार्ट की हूँ, पर मैं बहुत प्रयास करती हूँ लेकिन ध्यान पूर्वक जपा नहीं हो पाता, तो कुछ टिप्स बताइए जिससे कि मतलब जप में जो है और अच्छा एकाग्रता आ जाए और मेरा जप ध्यान पूर्वक हो जाए। ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाव है आप भक्तों का, कोई गीता पढ़ना चाहता है, कोई समझना चाहता है, कोई अच्छे से जप करना चाहता है। अभी तो मैं आपको एक मिनट में टिप नहीं दे सकता, लेकिन हमको ध्यान पूर्वक जप करना है, वही सॉल्यूशन है।
हमारा एक प्रोग्राम चलता है सवेरे 6 बजे से 7:15 बजे तक, जिसमें हम 1.25 घंटे में 1 घंटा जप करते हैं और 15 मिनट बताते हैं कि जप को और कैसे इम्प्रूव करें, है ना। तो हमारे भक्त हैं आचार्य सेवा प्रभु, वो अभी चैट बॉक्स में डाल देंगे उसका लिंक, वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन वो जो है तो 16 माला करते हैं, है ना, जो चैंटिंग करते हैं उन्हीं के लिए वो जो है। तो आप अगर 16 माला कर रहे हैं और ध्यानपूर्वक कैसे कर रहे हैं, तो आप उस प्रोग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं, तो आपको पता पड़ेगा कि कैसे हमें अच्छे से जप करना चाहिए। बट सिंपल और शॉर्ट तरीका जो प्रभुपाद जी ने बताया है कि मन भागता रहेगा उसकी चिंता मत करिए, आप हरे कृष्ण मंत्र बोलते रहिए और सुनते रहिए, बोलते रहिए और सुनते रहिए, मन को भागने दीजिए, वो अपने आप वश में आएगा, ये मंत्र उसको लेके आएगा, ये मंत्र का काम है, ठीक है। ओके पायल, यस पूछिए आपका प्रश्न पायल जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा सवाल ये है, आज इस समय जो सिचुएशन चल रही है हर तरफ नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है, इस समय अपने आप को हम सकारात्मक कैसे करें और अपने आसपास के लोगों को कैसे सकारात्मक ऊर्जा का उनके अंदर संचार कर सके। ओके तो देखिए, पानी का जहाज जो होता है ना वो पानी पे चल के जाता है, लेकिन समुन्द्र का पानी अंदर आ जाएगा ना तो जहाज डूब जाएगा। तो इसीलिए उस जहाज को अपने आप को ऐसा प्रोटेक्ट रखना चाहिए कि पानी अंदर ना आए। तो अपने आप को हमें ऐसे पहले तो अपने अंदर की इतनी शक्ति रखनी चाहिए कि बाहर की नेगेटिविटी हमारे अंदर ना आ सके। पहले अपने आप को बचा लीजिए, फिर दूसरों को बचाइए अपने अंदर की पॉजिटिविटी फैला के। तो सही बात है, अभी नेगेटिव एनर्जी बहुत फैला हुआ, तो कैसे होगा हमारा प्रोटेक्शन? ज्ञान से। इलाज यही है, भगवद गीता पढ़िए और हरे कृष्ण मंत्र जप कीजिए। क्योंकि जब भगवद गीता पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि मोह क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, कैसे संसार अज्ञानता की ओर बढ़ रहा है। अर्जुन भी देखा, अर्जुन को भगवान कहते हैं, अर्जुन ये संसार जो है ये 3 गुणों में कार्य कर रहा है, कभी तमोगुण बढ़ जाता है, कभी सतोगुण बढ़ जाता है, कभी रजोगुण बढ़ जाता है। तो ये कोरोना बढ़ा हुआ है, तमोगुण बढ़ा हुआ है, प्रकृति के 3 गुण कर रहे हैं, करने वाली प्रकृति है। आज नहीं तो कल ही अपने आप सेटल हो जाएगा, सतोगुण आ जाए। तब तक मैं क्या करूं? हम धैर्य से बैठे रहे, हम अपना काम करें। क्या काम करें? गीता पढ़े, हरे कृष्ण जप करें, और जिन लोगों से हमारा संपर्क है उनको भी गीता पढ़ाएं और जप करवाएं। क्योंकि ये तो प्रकृति चला रही है, अब जब प्रकृति अपना साइकिल रोकेगी तो कोरोना खत्म होगा, नहीं रोकेगी तो चलता रहेगा। अब वो 1 साल हो, 2 साल हो, 10 साल हो, 20 साल, हमको तो अपना करना पड़ेगा, है ना। जैसे कॉलेजेस बंद हो गए, स्कूल्स बंद हो गए, तो तुरंत उन्होंने ऑनलाइन मॉड्यूल चालू कर दिया। हमारा गीता क्लास पहले इधर होता था, अभी बंद हो गया तो हमने ऑनलाइन चालू कर दिया। इसका मतलब थोड़ी ना गीता प्रचार बंद हो गया, वो तो चलता है। तो वैसे ही आपको जो है अपना गीता का अध्ययन करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र, और अपना कार्य करते रहना चाहिए। संसार प्रकृति अपना कार्य कर रही है, हम अपना कार्य करते रहे, ठीक है। ओके प्राची शर्मा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा सवाल है ये कि मैं जब भी करती हूँ सुबह और भगवत गीता का भगवत गीता ही पढ़ती हूँ, पूरा भगवत गीता कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसा परिस्थिति आ जाता है जिसमें मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती हूँ। मतलब मेरी मम्मी ही बहुत ज्यादा बीमार चल रही है, तो ऐसा कभी कभी सिचुएशन आता है कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती हूँ, रोने लगती हूँ, डिप्रेशन में चल जाती हूँ। जब कहते हैं जब करने के बाद आप स्ट्रांग बन जाते हैं, बट कहीं ना कहीं मैं कमजोर हो जाती हूँ। तो मैं अपने में क्या सुधार करूँ कि मैं इस सिचुएशन में स्ट्रांग बने रहूँ? देखिए, हम वीक क्यों पड़ जाते हैं पहले उसका प्रश्न हम समझना चाहिए, उसको समझना चाहिए। वीक क्यों पड़ते हैं, कमजोर क्यों पड़ते हैं?
हम घबरा जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं कि हमारे माता को कुछ हो गया, पिता को कुछ हो गया, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चों को कुछ हो गया, क्योंकि हमारा इनके साथ स्नेह है तो इनको कुछ होना नहीं चाहिए। ये ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बैठा हूं, मान लीजिए मेरे माता पिता हैं, उनको कुछ हो गया तो मैं क्या कर सकता? कुछ नहीं कर सकता। वो मेरे माता पिता बाद में हैं, पहले वो क्या हैं? पहले वो आत्मा हैं, और आत्मा किसका अंश है? भगवान कृष्ण का। तो वो भगवान के बच्चे हैं तो भगवान पालेंगे उनको जी। मैं तो अपने आप को ना पाल पाऊं, हम तो, हमको कोरोना हो जाता है या हमको कोई बीमारी हो जाती है, हमको सर्दी खांसी बुखार हो जाता है, हम अपने आप को नहीं सुधार पाते, हमको अपने लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर दवाई देता है, बोलता है देख लो ठीक होता है तो नहीं तो फिर आ जाना। तो कोई भी संसार में कुछ कर नहीं पा रहा, बड़ी बड़ी सरकारें जो दुनिया की फेल हो गई, कहाँ कोई कोरोना को कुछ कर पाए, तो हम क्या कर पाएंगे? तो ये पहले ज्ञान होना चाहिए कि करने वाले कौन है? भगवान है। अब क्या है, सभी मैं तो आत्मा हूं तो मैं भगवान का अंश हूं, ठीक है। अब शरीर धारण किया है, ये शरीर मिला है, हमने तो नहीं धारण किया, हमको दिया गया है जबरदस्ती। क्यों? हमारे कुछ अच्छे कर्म हैं, कुछ बुरे कर्म हैं, दोनों का मेल जोल करके कुछ फॉर्मुलेशन कॉम्बिनेशन बना के, फॉर्मूला बना के शरीर दे दिया। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं इस शरीर के साथ कुछ सुख फिक्स रहता है, कुछ दुख फिक्स रहता है, सुख आएगा दुख आएगा। अब मेरे जीवन में जो दुख आना है वो तो आके रहेगा, चाहे प्रधानमंत्री मेरा पिताजी हो, हाँ, चाहे खूब बड़ा बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो, मेरे जीवन में जो दुख आना है मुझे भुगतना ही पड़ेगा, चाहे मेरा माता पिता कोई भी हो, चाहे मेरे को कितने लोग सपोर्ट करने वाले, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जो आपके जीवन में सुख आना है वो भी आएगा, फुटपाथ पे सोए हुए लोगों को भी सुख मिलता है, ऐसा नहीं कि उनका जीवन सिर्फ दुख में है, उनको भी सुख मिलता है। तो सुख और दुख दोनों फिक्स हैं। तो हमारे जीवन में जब हम दुख होता है तो हम सह लेते हैं, लेकिन हमारा कमजोर कहाँ पड़ते हैं? हमारा स्नेह जिनके साथ है, हमारी माँ है, हमारे पिता है, भाई है, बहन है, उनको कुछ हो जाए तो हम सह नहीं सकते। यही तो अर्जुन की परिस्थिति होगी, यही तो अर्जुन कमजोर पड़ा। अब भगवत गीता सोचिए हमारे लिए कितनी आवश्यक है, क्योंकि हम मोह के कारण कमजोर पड़ जा रहे हैं। तो अर्जुन मोह के कारण कमजोर पड़ा, इसीलिए भगवत गीता का ज्ञान दिया गया। तो हम भी मोह के कारण ही कमजोर पड़े। एक व्यक्ति है 25 साल का, बड़ा हेल्दी, बड़ा अच्छा उसका हेल्थ है, उसको कोरोना हो जाता है, बोलता है मैं निकल जाऊंगा, निकल भी जाते हैं, बहुत सारे लोग निकल जा रहे हैं, लेकिन अगर उसके छोटे भाई को या बहन को या उसके बड़े भाई बहन को या उसके माता पिता किसी को कोरोना हो गया तो दुख इसको ज्यादा होगा, क्योंकि स्नेह है ना, भाई कृष्णा रखेंगे। और जो जिसको जितना दुख और सुख मिलना है वो मिलके रहेगा, तो इसका मतलब कि हम कुछ ना करें, ना हम करें, हम उनकी सेवा करें, हम भगवान से प्रार्थना करें, एक और प्रार्थना साथ में करें कि प्रभु इनको भक्ति दीजिए। प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकश्यप को जब नरसिंह देव ने मारा तो प्रहलाद महाराज कहते हैं हे नरसिंह देव, मेरे पिता बड़ा अपराधी था, आपके प्रति बहुत अपराध किया, असुर था, उसको आप क्षमा कर दीजिए। बस तो ये आप अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, लेकिन समझना चाहिए। अब ये जन्म में जो हमारे माता पिता है, ये जन्म में जो हमारे पति है, पत्नी है, बच्चे, वो इसी जन्म में, अगले जन्म में चेंज, वो इसी जन्म में आते हैं। क्यों आते हैं? कुछ कर्मा हमारा कनेक्टेड होता है, आ जाते हैं, फिर बिछुड़ जाते हैं अगले जन्म में, कौन कब उतर जाएगा। ठीक है, ये किसका नाम है, Redmi Note 75, हाँ जी पूछिए। मेरे दो तीन सवाल हैं। अच्छा, एक ये कि मतलब मुझे नहीं पता ये मेरा बोलना सही है या नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भगवत गीता लिखी गई है उसमें सब बोला जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ही लिखी है। ओके। लेकिन हमें कैसे पता, अगर मैं इस मैं एक बुक है, मैं उसे पढ़ रही हूँ, तो मुझे कैसे पता ये जिसने बनाई है या जिसने भी है कुछ नहीं डाले गए, जो है वो उन्हीं ने लिखा है,
और दूसरी बात आपने कही थी कि जो करता मैं पहले है... मैं पहले क्वेश्चन का आपका आंसर दे देता हूँ, फिर आप दूसरा प्रश्न पूछिएगा। पहले तो भगवद गीता जब कृष्ण ने सुनाई तो व्यासदेव जी ने वहां पे पूरा लिख लिया, हमको मिला। अब आप कह रहे हैं कि कैसे पता पड़ेगा कि जो भगवद गीता है वो असली है कि नहीं है, तो फले न परिचित। श्रीपाद शंकराचार्य ये न्याय बताते हैं, फले न परिचित। अगर पेड़ का फल अच्छा है मतलब पेड़ अच्छा है, अगर सारे फल निकल रहे हैं लेकिन सड़े हुए निकल रहे हैं मतलब फल पेड़ ही सड़ा हुआ है। तो प्रभुपाद जी ने जो भगवद गीता लिखी, पूरे संसार में हजारों लाखों करोड़ों लोग पढ़ के भक्त बन रहे हैं, मतलब वो भगवद गीता की शुद्धता है, नहीं तो नहीं होते ना, भक्त नहीं बनते। क्यों प्रभुपाद जी की भगवद गीता सुन के दुनिया के लोग सब घर बार छोड़ के वैरागी बन के भक्ति कर रहे हैं, चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी घर से अजीजा भक्ति कर रहे हैं, लेकिन दूसरे किसी की गीता हमने नहीं देखा। एक आध दो कोई बन गया लेकिन वो भी क्या पढ़ रहा है। तो ये होता है फले न परिचित। ठीक है, अब आप दूसरा प्रश्न पूछिए। दूसरी चीज ये कि आपने कहा जो होता है, जिसकी मौत होनी होती है, जिसके जिसको जितना दुख मिलना होता है वो सब लिखा होता है। आजकल की जो जनरेशन है एंड गर्ल्स आर गेटिंग सेक्सुअली असॉल्टेड, सो वो चीजें क्या उनके में लिखी गई है कि उनके साथ ऐसा कुछ ना कुछ होगा, या ये वो कर्म है उन लोगों का जो वो कर रहे हैं, जो आज सेफ्टी की बात की जाती है हमारी तरफ से। ठीक है, आपका प्रश्न समझ गए, आप शॉर्ट में प्रश्न पूछ दिए, आपको हम आंसर दे देंगे। देखिए, इसके बहुत सारे ये कर्मों को समझना है तो आसान नहीं। ठीक, हम भगवद गीता से इतना समझ में आता है कि हमारे जीवन में सुख और दुख का जो एक्सपीरियंस है वो फिक्स है, सुख का भी और दुख का भी। अब वो स्त्री का शोषण हो रहा हो, पुरुष का शोषण हो रहा हो, फाइनेंशियल शोषण हो रहा हो, सेक्सुअल शोषण हो रहा हो, ये सब अलग अलग यू नो वैरायटी है, लेकिन जो कर्मों का दुख मिलना है वो मिलेगा। अब जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का शोषण हुआ उसको तो अपने कर्मों का फल मिला, लेकिन जिसने शोषण किया उसने अपने नए कर्म बना लिए जिसके कारण उसको उसका फल मिल जाएगा। जैसे पुराणों में कहा गया है कि गर्भपात नहीं कराना चाहिए, है ना, लेकिन हर जगह अबॉर्शन चल रहा है पूरी दुनिया में। जो बच्चा गर्भ में है माँ के, उसके शरीर पर जितने बाल होते हैं उतने जन्मों के लिए वो माँ बाप को गर्भ में मरना पड़ेगा। ये शास्त्र का वाणी है, इसको झुठला नहीं सकती, होके रहेगा चाहे आप माने या ना माने। तो इसीलिए तो हम अपने आप को पहले पाप करने से रोके तो सही, हम तो स्पीड बढ़ा रहे हैं पाप करने की, तो सोचिए आगे तो भयावह होने वाला है, बहुत भयानक होने वाला है हमारे लिए अगर हम पाप करना नहीं रोकेंगे। ये कोरोना तो बहुत छोटा सा सैंपल है, तो जिसके साथ शोषण हुआ ठीक है, दुख की बात है, लेकिन कर्म तो है शास्त्रों के हिसाब से, हाँ वो कर्म है, क्योंकि हिसाब तो यहीं पे होना है। अब नहीं पता था होगा, अभी धृतराष्ट्र के देखिए 18 दिन में, राजा है वो पूरी पृथ्वी का, लेकिन 18 दिन में उसके 100 बेटे मार दिए गए। धृतराष्ट्र पूछ रहा है कृष्ण से, ऐसा क्यों प्रभु? बोले 50 जन्म पहले तुमने अन्याय किया था, उसका हिसाब तो ये देना पड़ेगा। एक पृथ्वी के राजा है, पूरे दुनिया के राजा के 100 पुत्र मार दिए जाते 18 दिन के अंदर। भगवान बोलते हैं यही न्याय है धृतराष्ट्र, तो न्याय तो सबके साथ होगा। वो भूल गया धृतराष्ट्र, जो उसके पुत्रों ने पांडवों के साथ किया, जो खुद ने पांडवों के साथ किया वो भूल गया, उसको याद नहीं आ रहा। तो हमको हमारे याद नहीं रहता ना कि हम कितना पाप कर रहे हैं, हम कितनी गलतियां कर रहे हैं, वो भूल जाते हैं, हम नहीं देखते, लेकिन हिसाब तो होगा। ठीक है, रितेश दुबे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, मैं सऊदी अरबिया से बोल रहा हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है भगवान के जन्म से लेकर है कुछ, जैसे कि मैंने सुना है
जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी आपस में लड़ते हैं कि कौन सबसे बड़ा है, तब शिव भगवान एक फायर टावर से निकलते हैं और उन्हें कहते हैं जो मेरे इस टावर को सबसे पहले नापेगा वही सबसे बड़ा है, जिससे कोई जान नहीं पाता है। तो इससे तो यही पता चलता है कि शिव भगवान ही सबसे बड़े हैं, उन्हीं से सब आए हैं। क्या ये सही है या गलत? तो देखिए आजकल क्या हो रहा है ना, एक तो ये टीवी में देख देख के हमारा दिमाग जो है वो गलत डायरेक्शन में चला जाता है। कुछ भी दिखाते हैं टीवी में, क्योंकि इनको अपना टीआरपी बढ़ाना है, अपना बिजनेस करना है। तो ये जो धार्मिक सीरियल भी बना रहे हैं, ये हर चीज सही नहीं दिखाते। दूसरा, हमने यहाँ से ये सुना, यहाँ से ये सुना, ये तो पूरा गड़बड़ करता है। तीसरा, हर लीला के पीछे कुछ कारण होता है। ये बात सही है कि शिव जी ब्रह्मा जी और विष्णु के बीच में आते हैं, ठीक है, लेकिन विष्णु विष्णु है वो क्यों ब्रह्मा जी से कॉम्पिटिशन, ये लीला है उनका। कभी कभी आप देखेंगे जो दादा होता है, अमेरिका का राष्ट्रपति है लेकिन अपने पोते के लिए तो दादा है ना, उसका पोता बोलता है मेरे को दादा की सवारी करनी है। ठीक है भाई, दादा घोड़ा बन जाता है, तो इसका मतलब थोड़ी पोता बड़ा हो गया दादे से। लोग कहते हैं भगवान राम ने शिव जी का पूजा किया तो इसीलिए शिव जी बड़े हैं राम से, लेकिन कृष्ण ने भी तो सुदामा के पैर धोए थे। हम तो नहीं कहते सुदामा कृष्ण से बड़े हो गए। अगर एक पिता अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा है, छोटा सा लड़का है 4 साल का, स्कूल छोड़ने जा रहा है, जाते जाते रास्ते में स्कूल जाते जाते वो बच्चे का जूते का लेस खुल जाता है, कौन बांधेगा? बच्चा तो बांध नहीं पाएगा, तो पिताजी बांधेंगे। तो पिता बच्चे के पैर को पकड़ के जूता पहना रहे हैं, लेस बांध रहे हैं, तो बेटा तो बेटा ही रहेगा ना, बेटा बाप नहीं बन जाएगा अपने बाप का। तो ये सब लीलाएं होती हैं किसी कारण, कुछ हमको सिखाने। इससे ये नहीं हम निष्कर्ष निकाल सकते कि शिव जी बड़े हैं। अगर शिव जी बड़े हैं तो क्यों फिर ओम नमः, क्यों अपना रुद्राक्ष माला लिए जप करते रहते हैं? शिव जी बड़े हैं तो वो क्यों बोलते हैं, भगवान कृष्ण को क्यों पुकारते हैं जब भी संकट में होते हैं? क्यों पार्वती को बोलते हैं कि भगवान विष्णु की आराधना सबसे बड़ी है? आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना नाम परम भरतस्मात् देवी तदियानाम समर्चनम। क्यों राम का नाम लेते रहते हैं शिव जी? क्यों वही शिव का आम हनुमान बन के आता है राम की सेवा करने के लिए? क्यों जब शिव और कृष्ण का युद्ध होता है तो कृष्ण जीत जाते हैं, शिव जी हार जाते हैं? ये लीला है हमको सिखाने के लिए, बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, इसलिए प्रामाणिक सोर्स। लेकिन अभी ना ये शिव भगवान है, विष्णु भगवान है, इसको छोड़ के आप तत्व को समझिए, पहले अपने आप को समझ जाइए, वही भगवद गीता में समझाएंगे, फिर आगे ये टॉपिक आएगा तो इसको और अच्छे से हम क्लियर करेंगे। यस निधि यादव, आप पूछिए अपना प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक ही करके आपसे पूछ लेती हूँ प्रभु जी। पहला क्वेश्चन प्रभु जी मेरा ये है, मैं स्कॉन डिवोटीज जो सीनियर डिवोटीज हैं उनके लेक्चर्स सुनती हूँ यूट्यूब पे, तो मैंने एक चीज कॉमन देखी है कि वो जब कोई एग्जांपल्स देते हैं तो मतलब उसका मटेरियलिस्टिक चीजों को समझाने के लिए दे देते हैं, बट अगर वही क्रॉस क्वेश्चन मतलब पब्लिक करती है तो वहां पे वो कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये आध्यात्म की चीजें, तो प्रभु जी इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। पहला क्वेश्चन। ओके, तो देखिए पब्लिक अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ रही है जिसको समझाया जा सकता है उस पब्लिक फोरम में तो समझाते हैं, नहीं समझाया जा सकता तो नहीं समझाया। हर चीज हर जगह नहीं बोली जाती। एक 3 साल की बच्ची अगर पब्लिक में अपने माता पिता से पूछे कि मैं कैसे पैदा हुई तो क्या बताएगी माँ? क्या बोलेगी? क्या पिता और माता उसको बता पाएंगे? क्या उसको समझा पाएंगे वो कैसे पैदा हुई? नहीं समझा पाएंगे। तो बच्चे को जब बड़ा होना पड़ेगा ना समझने के लिए, तो पब्लिक अपने इसीलिए एक शिष्टक को अपने लेवल का क्वेश्चन पूछना चाहिए। इसीलिए भगवान प्रश्न पूछने पर बताते हैं तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानी न तत्व दर्शिनः। पहले प्रामाणिक गुरु के पास जाइए, उनकी
उनका जो है शरण लीजिए, फिर उनकी सेवा कीजिए, फिर प्रश्न पूछिए। तो कई बार हमारे अधिकार से ऊपर का प्रश्न पूछते हैं, तो इसीलिए आंसर ऐसा दिया जाता है, क्योंकि अधिकार नहीं है। तो 3 साल की बच्ची का अधिकार नहीं है, तो अधिकार से ऊपर प्रश्न पूछ लेते हैं। दूसरा चीज है कि वो पब्लिकली पूछा गया प्रश्न है, हर चीज को। अभी इस फोरम में देखिए, कुछ लोग हैं जो 16 माला, कुछ भक्त 16 माला जप करते हैं, कुछ भक्त बिल्कुल नए हैं, कुछ लोग को इस्कॉन नहीं पता, कुछ लोग को गीता नहीं पता, कुछ लोग को कृष्ण नहीं पता। अगर वहां पे कोई 16 माला जप करने वाला कुछ प्रश्न पूछे तो क्या उत्तर दूं मैं, बताइए? अब जिसको समझ में नहीं आएगा, अगर आपके पास 2 स्टूडेंट हैं, एक PhD कर रहा है और एक क्लास 5th पढ़ रहा है, और अगर उसमें PhD वाला स्टूडेंट पूछता है कुछ प्रश्न, तो 5th वाले को तो टाइम वेस्ट होगा ना, उसको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए नहीं बताया जाता। बहुत सारे कारण होते हैं उसमें, अधिकार से ऊपर का प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। अभी अगर मैं बोलूंगा कि मान लो मन की बात तो चलाते हैं ना, प्रधानमंत्री मोदी जी चलाते हैं मन की बात, अब मैं उनसे पूछूंगा कि आपने आज सवेरे नाश्ते में क्या खाया, क्या जरूरत है, क्या मेरा अधिकार है, उसका जरूरत क्या है उसका? तो कई बार लोग क्वेश्चन भी ऐसा पूछ देते हैं जिसकी कोई जरूरत ही नहीं, अधिकार भी नहीं, जरूरत भी नहीं, फोरम भी पब्लिक है, इसलिए आंसर नहीं देते। मैच्योर स्पीकर वही करेगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न पूछिए। प्रभु जी, सेकंड क्वेश्चन ये है मेरा, 6.4 श्लोक है भगवत गीता का, उसमें मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, बट अभी तो हम लोग 6 चैप्टर पे पहुंचे नहीं, अभी तो फर्स्ट चैप्टर। प्लीज प्रभु जी थोड़ा आंसर कर दीजिए, मैं अभी बिगनर हूँ इसमें, पर ये क्वेश्चंस मुझे परेशान करते हैं, मेरी भक्ति आगे बढ़ नहीं पाती। आप शॉर्ट में क्वेश्चन पूछिए, ज्यादा डिटेल में मत जाइए। प्रभु जी क्वेश्चन ये है कि जैसे उसमें ये लिखा है कि भगवान ने कहा है कि आप अगर मेरे आध्यात्मिक रूप को समझ गए हैं तो आपको जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। फिर एक जगह यह भी मैंने सुना कि अगर आपकी भक्ति पूरी नहीं हुई इस जन्म में, मतलब जिसने भक्ति की वो समझ चुका है आध्यात्मिक फॉर्म को भगवान के, तो फिर उसको नेक्स्ट जन्म लेना पड़ेगा जब तक भक्ति पूरी नहीं होगी। तो ये चीज थोड़ा सा प्लीज प्रभु जी एक्सप्लेन कर दीजिए। जो भगवान के जन्म को और कर्म को समझ जाता है वो मतलब भक्ति पूर्ण हो गई उसकी, उसका अधूरा नहीं रह गया, वो भक्ति पूरी हो गई। और दूसरी बात, जो भगवान के जन्म और कर्म को समझ गया, जो भगवान को समझ गया, अपने आप को समझ गया, वो कभी ये नहीं बोलता है भगवान मुझे भगवत धाम भेज दो, वो बोलता है भगवान मुझे अब इस संसार में रखो, उस संसार में रखो, मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। राम जब लीला करके जा रहे थे, हनुमान को बोले चलो हनुमान, हनुमान जी बोले नहीं मैं यहीं रहूंगा, जब तक आपका रामायण की कथा यहाँ पे चलती रहेगी मैं इसी संसार में रहूंगा। प्रहलाद महाराज को भी नरसिंह भगवान बोले चलो, वो नहीं गए। तो अगेन मल्टी लेवल आंसर्स। अब भगवान का भक्त है, पूरी तरह समझ गया है, लेकिन भगवान बोलते हैं बेटा तू वापस मत आ, मैं तेरे लिए एक सेवा दे रहा हूं, तू सेवा करके आना, तो क्या दिक्कत है? और ये कहां लिखा है कि भगवान का जन्म और कर्म को समझ गए तो पूर्ण भक्ति नहीं हुई? पूर्ण भक्ति हो गई। अब आप जो बोल रहे हैं कि पूर्ण भक्ति नहीं हुई इसलिए फिर आना पड़ेगा, तो मतलब वो भगवान के जन्म और कर्म को अभी तक पूरी तरह नहीं समझा है। भगवान के जन्म को कर्म को समझना मतलब क्या है? ये समझ गया कि भगवान जन्माष्टमी के दिन भादो के महीने में अष्टमी के दिन रात को 12 बजे नंद बाबा और यशोदा माता के यहाँ जन्म लेते हैं, या वसुदेव और देव की उनको लेके आते हैं, बस ये समझना, जन्म समझना नहीं, कृष्ण तत्व को समझना। जन्म समझना मतलब बहुत बड़ी चीज है, और भगवान के कर्म को समझना तो अच्छे अच्छे ब्रह्मा और शिव जी का मन चकरा जाए, तो उसको समझने के लिए बहुत हमको पहले अपने आप को तपस्या करना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा, फिर हम समझ पाएंगे। प्रभु जी लास्ट क्वेश्चन ये है कि भगवत गीता में ये मिलता है कि आपका अगला जन्म मतलब क्यों हुआ, कैसे हुआ, सबका सारा मिलता है एक्सप्लेनेशन, बट फर्स्ट जन्म एक इंसान का धरती पे क्यों होता है, मतलब वो क्यों आ जाता है वैकुंठ लोक को छोड़ करके यहाँ पे, उस पर थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए उस चीज को। अभी देखिए यही परेशानी हो जाती है ना, कि जब हम वो प्रश्न पूछते हैं जहाँ अधिकार नहीं है, तो प्रभुपाद जी ने सिर्फ एक आंसर दिया, मैं वही आंसर रिपीट करूँगा। प्रभुपाद ने बोला जब आप मुक्त होकर भगवान कृष्ण के पास जाएंगे उनसे पूछ लीजिएगा, वही आपको बता सकते, और कोई नहीं बता सकता।
मुझे अपना नहीं पता, मैं आपका क्या बताऊंगा, क्योंकि करोड़ों अरबों खरबों जन्मों से हम यहाँ आए, किसी के पास वो रिकॉर्ड नहीं है, वो रिकॉर्ड सिर्फ कृष्ण के पास है। तो भगवान भक्ति कीजिए अच्छे से, भगवत धाम जाइए, कृष्ण आपको जरूर बताएंगे कि क्या हुआ था, और फिर आपको अंदर लिया जाएगा, है ना। यस, हेमा माता जी पूछिए आपका प्रश्न। प्रभु जी, मैं दुबई से बात कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। अच्छा, हरे कृष्ण। यस यस यस, आपका नाम, मैं आपका नाम नहीं पता मेरे को। अभिनव। हाँ अभिनव जी, आप हिंदी हिंदी में ज्वाइन किया, मुझे लगा आप इंग्लिश वाला ज्वाइन करेंगे। अभिनव जी, सभी भक्तों को बताते हैं, अभिनव 11 साल का है, शारजा में रहता है, कर्नाटक से है, लेकिन इतने अच्छे गीता के श्लोकों का उच्चारण करता है कि हमको भी सीखना चाहिए कि कितना अच्छा उसका उच्चारण है। यस अभिनव जी, पूछिए आपका प्रश्न। सर, मेरा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम ये हरे कृष्णा महामंत्र जाप करते हैं, हमारे मुंह से तो हरे कृष्णा निकलता है, पर मन में कुछ और दौड़ता रहता है, इसलिए हमें हरे कृष्णा भगवान में ही कैसे कॉन्सेंट्रेट करें जब हम जाप करते हैं। तो अभी ना हो, इसको हमको ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये जब सिक्स्थ चैप्टर आएगा ना, उसमें भगवान मन के बारे में बताएंगे, उसमें हम डिटेल से हम इसको और करेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि तो आपका माइंड है ना, जैसे जैसे हम जब आप जब छोटे थे, आप चलना सीखे, तो ऐसा नहीं कि पहले दिन में आप चलना सीख गए, आपके शरीर में चलने की कैपेसिटी है, लेकिन अभी वो बाहर नहीं निकला है, अभी शरीर कमजोर है। तो धीरे धीरे बच्चा बढ़ता है, फिर चलने का प्रैक्टिस करता है, आप साइकिल चलाना सीखते हैं, गाड़ी चलाना सीखते हैं, हर चीज के लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो ये मन जो है ना, ये इतने जन्मों से अपना इंडिपेंडेंटली घूम रहा है, अभी आप उसको बोलते हो कि तुम इधर बैठो, बांध के रखना चाहते हो, तो इतना आसानी से नहीं होगा, तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो भगवान छठे अध्याय में बोलते हैं, अभ्यास से ना तू कौनते है, अभ्यास करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो हम आगे और जानेंगे, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। मॉर्निंग में भी आज आप शायद आए थे ना जप करने के लिए। हाँ प्रभु। हाँ गुड, ठीक है। खुशी कश्यप। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, कि कुछ किसी भी काम करने के लिए अंदर से एनर्जी कैसे आनी चाहिए। ओके, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, प्रभुपाद जी ने इसका आंसर दिया था, हाउ टू स्टे हाई फॉरएवर। तो हमारा उत्साह जो होता है, वो जो रजोगुण तमोगुण है, नीचे खींचता है। अभी ये प्रश्न पहले चैप्टर में नहीं, बाद में आएगा, लेकिन आपको जस्ट थोड़ा बता देते हैं कि जो नेगेटिव चीजें हमको नीचे खींचती है, अगर आपको पता पड़ जाए, जो भगवान आगे वाले चैप्टर में बताने वाले हैं, फिफ्थ चैप्टर में, अगर आपको पता पड़ जाए कि भगवान पूरी सृष्टि के मालिक हैं और वो आपके मित्र हैं, तो फिर आपका उत्साह कम क्यों होगा। हमारा मित्र भगवान कृष्ण है, हमको किससे डरने की जरूरत है, कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसीलिए उत्साह ऊपर और नीचे क्यों होता है, एक कारण है ज्ञान की कमी, दूसरा कारण है हमारे पूर्व कर्म, वो नीचे खींचते हैं। तो इसीलिए ये भी अभ्यास आप करते रहेंगे तो आपको सतोगुण में ज्यादा रहने का मौका मिलेगा। उस सतोगुण में ज्यादा जितना रहेंगे, उतना आपका उत्साह बढ़ेगा, भक्ति करेंगे और फिर शुद्ध सत्व में हम पहुंच जाएंगे। ओके, आरती गुप्ता जी, आप पूछिए आपका प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहते हैं? कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहते हैं? तो क्योंकि कुरुक्षेत्र ना पहले से ही धर्म क्षेत्र था, वो एक स्पिरिचुअल प्लेस है। जैसे वृंदावन को भी धर्म क्षेत्र कहते हैं, द्वारका को भी धर्म क्षेत्र, क्योंकि ये धर्म के क्षेत्र है ना, ये स्पिरिचुअल प्लेसेस है, होली प्लेसेस। इनफैक्ट कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में नहाने का बहुत महत्व है। कृष्ण स्वयं गए थे द्वारका वासियों को लेके, वृंदावन वासी भी आए थे, और सूर्य ग्रहण में वहां नहाने के लिए। परशुराम भगवान जब उन्होंने 21 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय रहित कर लिया था,
उसके बाद बैठ के वो तपस्या करने वहीं गए थे। कुरुक्षेत्र जो है शुरू से ही धर्म का स्थान रहा है। जितने भी धर्म, जितने भी भगवान के धाम है ना, चाहे वो अयोध्या हो, मथुरा हो, वृंदावन हो, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारका, ये सब धर्म क्षेत्र है। तो ऐसे ही कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र है, ठीक है। अभी किसी भक्त का नाम है के, अभी वो प्रश्न पूछ सकते हैं, सिर्फ के लिखा है। आप लोग अपना पूरा नाम लिखेंगे तो हम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, कैसे अपना पूरा नाम लिखेंगे? हरे कृष्ण प्रणाम। मेरा नाम सुनीता प्रभु जी। जैसे प्रभु जी आपने बताया दुर्योधन का जन्म कैसे हुआ, अभी जैसे वेदव्यास जी ने बताया मटकों के अंतर को रखकर, क्या धृतराष्ट्र की कोई बेटी भी थी? और दूसरा प्रश्न मेरा ये था प्रभु जी, जैसे हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो अपने रीडिंग को हम कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए, ये तो मेरे प्रश्न है। धृतराष्ट्र की बेटी थी, सुना तो है दुर्योधन की बहन, लेकिन मुझे उतना याद नहीं है। महाभारत में हम इतना डिटेल में घुसते नहीं। प्रभुपाद जी ने भगवत गीता दिया, भागवतम दिया, उसी को पढ़ ले, वही बहुत है। तो फिर भी पूछ के बता देंगे। दूसरा प्रश्न आपका था कि रीडिंग कैसे स्ट्रॉन्ग करें। देखिए बहुत सारे प्रश्न ऐसे आ रहे हैं जिनका आंसर एक ही, अभ्यास 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 अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। जब भगवान देखेंगे कि मुझे प्राप्त करने का, मुझे समझने का, ये मेरे बच्चे इतना अभ्यास कर रहे हैं, तब भगवान अपनी कृपा आपके ऊपर देंगे, आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि भगवद गीता क्या है। अभी बेस्ट आपको चैंटिंग और रीडिंग इंप्रूव करना है तो उस समय अपने मोबाइल को दूर रखिए, बुक से पढ़िए। ये लैपटॉप और मोबाइल से पढ़ना और जो है ये कॉन्सेंट्रेशन नहीं देता है। आप बुक लीजिए, सब काम छोड़ दीजिए और एक घंटा अपना चुपचाप पढ़िए। मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ नोट्स बनाने के, जिससे आपको गहराई में समझ में आएगा भगवद गीता या भागवतम, जो भी आप पढ़ रहे हैं। जैसे आपने कोई भी श्लोक खोला, श्लोक पढ़िए कम से कम 3 बार, उस श्लोक का उच्चारण कीजिए 3 बार, आप श्लोक का उच्चारण करना है। फिर उसके शब्दार्थ को पढ़िए, अब आप उसके अनुवाद को पढ़ेंगे, क्योंकि श्लोक का तो एक्चुअली ज्यादा उच्चारण करना चाहिए, लेकिन ठीक है 3 बार आप करिए, फिर अनुवाद पढ़ेंगे जब तो आपको कुछ समझ में आएगा। शब्दार्थ पढ़िए फिर अनुवाद पढ़िए, अब अनुवाद पढ़ के कुछ समझ में आया, ठीक है, अब आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा समझ में आएगा एज कम्पेयर टू डायरेक्ट हम पढ़ने जाएंगे। इस ऑर्डर में प्रभुपद ने इसे ही ऑर्डर दिया। फिर आप तात्पर्य पढ़िए, अब अपने पास एक डायरी रख लीजिए, कॉपी रख लीजिए, पेन पेपर जो भी, उसमें आपने जैसे भगवद गीता का श्लोक नंबर आपने उठाया 2.13, तो 2.13 भगवद गीता 2.13 देखिए, क्या समझ, क्या प्रभुपाद जी बता रहे हैं उसको 1-2 लाइन में सिंपल में पॉइंट्स लिख दीजिए। फिर प्रभुपाद जी ने कौन सी एनोलॉजीज उदाहरण लिखे हैं वो आप लिख लीजिए। फिर आपको क्या समझ में आया भगवद गीता के इस श्लोक से, उसको लिखिए। और अगर एक और लेवल में आप गहराई में जाना चाहते हैं तो ये श्लोक को लेके मैं कैसे प्रचार कर सकता हूं, ये लिखिए। तो 4 चीजें प्रभुपाद ने क्या, भगवान और प्रभुपाद क्या बता रहे हैं 1-2 पॉइंट में लिख दीजिए, क्या क्या उदाहरण दिए हैं प्रभुपाद, जो उदाहरण देते रहते हैं उन उदाहरणों को लिखिए, क्योंकि याद रहेगा बहुत पावरफुल एग्जाम्पल होते हैं। प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल को कोई डिफीट नहीं कर सकता, कोई फ्लॉ नहीं निकाल सकता। अरविंद भोसले जी, रविंद्र जी का क्वेश्चन आया हुआ है प्रभु जी, ये कलयुग क्यों आया और भगवान ने कलयुग को क्यों नहीं मारा? कलयुग क्यों आया भाई? भगवान देखिए वो बोलते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। राम ने बड़ा समझाने का प्रयास किया रावण को, भगवान राम ने प्रयास किया, विभीषण ने बोला, लक्ष्मण ने बोला, हनुमान ने बोला, नहीं समझ रहा क्या करेंगे, फिर बाण छोड़ना पड़ा। तो ऐसे हम लोग जो हैं वो नहीं सुधरे सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, तो भगवान सोचे कलयुग में इनको थोड़ा सा हैवी डोज देना पड़ेगा। जिसका कोरोना का बीमारी ज्यादा है, जिसका कम है उसको तो घर में क्वारंटाइन कर दो, ठीक हो जाएगा।
जिसका थोड़ा ज्यादा है क्वारंटाइन प्लस मेडिसिन दे दो, जिसका और ज्यादा है क्वारंटाइन मेडिसिन और थोड़ा ऑक्सीजन घर पे दे दो, कुछ एक्सरसाइज कर देगा, जिसका उससे ज्यादा हो गया हॉस्पिटल में डाल दो, और ज्यादा हो गया हॉस्पिटल प्लस ऑक्सीजन, और ज्यादा हो गया वेंटिलेटर पे डाल दो। तो हम लोग नहीं सुधरे, भगवान ने बहुत मौके दिए, इसलिए ले आए कलयुग में और ऊपर खड़ा कर दिया दुर्गा देवी को डंडा लेके, सुधारो इनको सब। कलयुग आया नहीं है, कलयुग तो हमेशा रहता है, आप आए हैं कलयुग में। ये प्रश्न पूछे कि आप क्यों आए कलयुग में, कलयुग तो आता ही है, आप क्यों आए, हम क्यों आए, क्योंकि हम पहले नहीं सुधरे इसलिए हमको कलयुग में आना पड़ा। ठीक है, यस राधे श्याम, पूछो भाई प्रश्न आपका। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, इस्कॉन पाकिस्तान से। जय हो प्रभु। मेरा ऐसा प्रश्न है आपसे प्रभु, जैसे कलयुग सत्ययुग द्वापर तीर्था के अंदर तो भगवान कृष्ण आए, वो शस्त्र लेके हैं, ठीक है प्रभु, शस्त्र उठाए, लेकिन कलयुग के अंदर भगवान चैतन्य महाप्रभु के अवतार में आए और जीवों को जो है हरि नाम दिया, भगवान महाराज के द्वारा हमें जो भगवद गीता एज इट इज हासिल हुई। और प्रभु मेरा ऐसा कहना है कि प्रश्न है आपसे कि बहुत सारे जीव ऐसे कि जो प्रभु भगवान श्री कृष्ण को जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं मानते, वो सबको भगवान मानते, कि सब भगवान है, हम इधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे, वो प्रभु हर जगह घूमते रहते भटकते रहते। आपका आवाज कट जा रहा है, माइक को अपने मुंह के पास रखिए। सॉरी प्रभु, सॉरी सॉरी प्रभु, आपने सुन, प्रभु आपने कहाँ तक सुना प्लीज? मैंने पूरा सुन लिया, अभी आ गया। तो प्रभु मेरा ऐसा कहे कि बहुत सारे जीव जो भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं मानते, वो समझते कि देवी देवता भी भगवान है, सब भगवान, वो सबके पास प्रभु घूमते रहते भटकते रहते कि हम इसके भी भक्ति करेंगे उसके भी करेंगे उसके भी करेंगे। तो प्रभु क्या कारण क्या है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में नहीं आने के? धन्यवाद। जो नहीं आना चाहता है भगवान उसको जबरदस्ती नहीं करते। भगवान सातवें अध्याय में कहेंगे गीता के कि जिसका जहां मन लगता है मैं वहीं लगवा देता हूँ। आपको देवी का पूजा करना है जाओ, आपको शिव का पूजा करना है जाओ, ब्रह्मा का पूजा करना है जाओ, मेरा पूजा करना है आओ। तो ये तो जैसे अभी किसी ने कहा ना कि भक्ति सस्ती नहीं है, तो कृष्ण भक्ति सबके लिए नहीं बनी है, हर कोई उस लेवल पे नहीं है। हमको मिली है, हम बड़े भाग्यशाली है, हमको देना चाहिए सबको। अब कोई नहीं समझ रहा है तो क्या कर सकते, नहीं समझ रहा है तो भी ठीक है भाई, छोड़ देना चाहिए, है ना, उसको महाप्रसाद खिलाना चाहिए। आप अपना प्रयास करते रहिए, आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगा। और भी भक्त हैं, और भी लोग हैं जो भक्त बन सकते हैं, उनको प्रयास कीजिए, उनको भक्ति देने का प्रयास कीजिए। रितेश दुबे प्रभु, आपका प्रश्न पूछिए। जी मेरा एक उसी के पहले क्वेश्चन के रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि जब शादी किया है, मतलब उन्होंने दूसरी शादी की थी राधा जी ने, तो उससे तो एक समाज में तो नेगेटिविटी फैली, क्योंकि शादी के बाद भी उन्होंने कृष्ण जी से ही मतलब साथ में रहे। तो आप जैसे कह रहे लीला है, लीला से हम उससे भाग नहीं सकते, कि लीला क्यों है, ऐसा क्यों हुआ ये सब, कि ये किसी और तरीके से भी तो भगवान बता सकते थे। ऐसा करने से एक तरह से देखा जाए तो नेगेटिविटी एक तरह से हुआ कि प्यार किया, शादी दूसरे से किया, और शादी करने के बाद भी मतलब एक तरह से पहले वाले से ही ऐसा, अगर बता सके। देखिए बताने की बात नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा बता देते हैं कि भगवान जब राधा रानी का शादी हुआ उसके बाद भगवान वहां से मथुरा निकल गए, है ना। और अभी आप क्या कर रहे हो, आप बाइक से या कार से जा रहे हो और जब ट्रैफिक सिग्नल लाल वाला लग गया तो आप खड़े हो गए, क्योंकि आपको तो सिग्नल पे रुकना पड़ेगा आपकी कार को, लेकिन उसी समय आप देखते हो ऊपर से फ्लाइट उड़ के निकल गया, तो आप उसको गाली देते हो कि सिग्नल लगा हुआ है, क्यों सिग्नल तोड़ के जा रहा है। तो फ्लाइट के नियम आप नहीं लगा सकते, फ्लाइट के अलग नियम है, कार के अलग नियम है, तो कार के नियम फ्लाइट पे नहीं लगा सकते आप, दोनों के अलग अलग नियम है। ऐसे ही हर लोक में नियम अलग होते हैं। जैसा आप सोच रहे हैं भगवान
भगवान का नाम जप करने से आप शुद्ध हो जाते हैं, आप पाप नहीं करते, तो उस भगवान में कैसे पाप हो सकता है? अपापवृत्तम है कृष्ण, भगवान अपापवृत्तम है, उनमें कोई पाप नहीं। और ये सब्जेक्ट मैटर भी नहीं है, ना हमारा अधिकार है, ना हम समझा पाएंगे, ना आप समझ पाएंगे, तो कुछ चीजों को हमें छोड़ देना चाहिए। हरे कृष्ण।